हेलो मेरे क्लास ट्वेल्थ के प्यारे प्यारे बच्चो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सकल ओके सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगर हम लोग यहां पर बात करें हमारे सिलेबस की तो सिलेबस तो अपने पेस पे चल ही रहा है अभी दिसंबर मंथ है बट मैंने सोचा कि क्यों ना साथ साथ उन बच्चों का भी ख्याल रखा जाए जो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीशन पे क्योंकि मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स जब देख रहा था तो ग्रेविटी सर्कल पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी प्रीवियस प्लेलिस्ट से एमाइंस बायोमोलिक्यूल्स अल्टीहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कई चैप्टर्स निपटा चुके हैं मतलब टेक्निकली उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो हम लोग गाइज अब क्या किया करेंगे दैट हम कोशिश करेंगे दैट वंस इन अ वीक या और फ्रीक्वेंटली हम लोग PYQ सीरीज के क्वेश्चंस भी डालें। यानी हम लोग एक चैप्टर को एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे और उसके अंदर जितने भी प्रीवियस होंगे तो हम पीवाई क्यूज करेंगे और जितने भी पीवाई अभी तक आए हैं वो हर टाइप के पीवाई को यहां पर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा चलिए पहला पीवाई देखिए जो असरशन एंड रीजन टाइप का है आप असर पढ़िए मोलारिटी ऑफ अ सोलूशन चेंजेस विथ टेम्परेचर जी हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है कि आपका जो मोलैरिटी होती है मोलैरिटी विथ चेंज करती है टेम्परेचर के साथ में इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं वॉट इज द रीजन ऐसा क्यों होता है देखिए आप सभी लोग जानते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ Moles of solute, number of moles of solute, जिसे आप लोग एन से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन यह आपकी मोलारिटी का फॉर्मूला होता है अब गाइज एक बात बताइए वॉल्यूम डेफिनेटली लिक्विड का होगा वॉल्यूम डेफिनेटली वॉटर का होगा क्योंकि हम जब कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं तो मोस्टली हमारे जो सोल्यूशन होते हैं मोचली हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं दे आर कंटेनिंग वाटर दे आर वाटर बेस्ड तभी तो हमारी केमिस्ट्री में वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है तो हम यहां यह, यह मान के चलेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो वॉटर के अंदर डिजॉल्व है न होता क्या है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वॉटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे वॉटर मॉलिक्यूल विल मूव अवे भाई आप लोग सब जानते हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में फास्ट मूवमेंट करेंगे और एक दूसरे से दूर जाएंगे तभी तो वह एक्सपांड करेगा तभी तो वॉटर फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में तो यहां पर हमको इतना हीट नहीं करना है कि आपका वाटर वेपोराइज हो जाए लेकिन आप जब हीटिंग शुरू करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर जाना चालू करेंगे और जब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे यहां पर आपको वॉल्यूम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा अल्टीमेटली वाटर की वजह से वाटर को हीट करने की वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा अब यहां पर अब आप इस रिलेशनशिप को अगर देखें अगर मैं, मैं यहां पर मोल्स को कॉन्स्टेंट कर दू अगर मैं यहां पर मोल्स को कॉन्स्टेंट कर दू तो यहां पर हो जाएगा मोलैरिटी यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग जाएगा और यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम तो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अब आप देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है अब यहां पर अब आप देखो अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपकी मोलैरिटी जो है वो कम हो जानी चाहिए तो ये रिलेशनशिप फॉलो होता है वॉल्यूम बढ़ेगा मोलैरिटी कम होगी और ये सब क्यों हो रहा है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अब यहां पर आप लोग एक स्टार बनाकर पॉइंट यही लिख लो क्योंकि ये इतनी बार मैंने देखा है क्वेश्चन कि मैं आपको क्या बताऊं टेम्परेचर बढ़ने पर आपकी जो मोलैरिटी है वो घट जाती है आपकी मोलारिटी जो है वो घट जाती है लेकिन अगर मैं मोलालिटी की बात करूं तो मोलालिटी पर कोई असर नहीं होता क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला के जी टर्म जो होती है वो सॉलिड की होती है सॉलिड पर हीटिंग का कोई असर नहीं होता दूसरा यहां पर जो पॉइंट कह रहा है रीजन क्या दे रहा है इसका मोलरिटीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रॉन्ग मोलरिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती ही नहीं है मोलारिटी तो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है यह आपके सल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को शो करती है ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो डिपेंड करती है सॉल्यूट के अमाउंट पर तो यहां पर आप क्या बोलेंगे असर्शन इज करेक्ट रीजन इज रॉन्ग असर्शन इज करेक्ट रीजन इज रॉन्ग अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या है गुरु कह रहा है मोलालिटी ऑफ अल्यूशन चेंजेस देखो गुड न्यूज देखो न्यूज न्यूज देखो न्यूज 2021 में मोलैलिटी पर क्वेश्चन आया और जस्ट 2022 में मोलालिटी पर क्वेश्चन आ गया समझ रहे हो कोई रॉकेट साइंस नहीं है सीबीएसई में 95 फाइव या नाइन्टी नंबर लाने का केवल आप ग्रेविटी सर्कल से केमिस्ट्री पढ़ो और उसके बाद में मेरी की वो सीरीज अटेंड करो थोड़ी और प्रैक्टिस करो मच्चा तो कह रहा है मोलालिटी नहीं मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया बस साहब ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोलालिटी क्या होती है मोलालिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जी सोल्यूशन अब यहां पर के जी टर्म है और के जी यानी कि डेफिनेटली कोई चीज सॉलिड होगी तभी हम उसको के जी बोल रहे हैं तो के जी जो होता है उस पर टेंपरेचर का कोई असर नहीं होता आज इस बोर्ड का मैं टेम्परेचर बढ़ा तो क्या असर होगा उतना कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं होगा जब तक ये मेल्ट नहीं होगा और हम लोग को इतना टेम्परेचर थोड़ी देर है कि बिल्कुल मेल्ट कर दें जैसे वहां पर हम मोलाटी में वॉल्यूम को यानी वाटर को हीट कर रहे थे पर इतना ज़्यादा हीट नहीं कर दे कि वो वेपोराइज ही हो जाए यानी स्टेट चेंज नहीं करना है हमको तो यहां पर डेफिनेटली के जी मोरा है तो मोलैलिटी का इस पर कोई असर नहीं होगा अब इसका रीजन क्या बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर ये बिल्कुल करेक्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है अगर आपके पास में कोई सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होगा तो यहां पर आप इसको क्या बोलेंगे That assertion is wrong, reason is correct. यहां पर आपका असर्शन रॉन्ग हो गया रीजन आपका करेक्ट हो गया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन एक बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है 2017 एंड 2014 में दो बार आ चुका है यू हैव टू डिफाइन द टर्म मोलैलिटी मोलैलिटी नाउ मोलैलिटी क्या होती है मोलालिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वन के जी सोलवेंट सॉरी इन वन के जी सॉल्वेंट क्या यहां पर मैंने सोल्यूशन लिख दिया था ओके okay. गलत लिख दिया था जोश जोश में देट विल बी वन के जी सॉल्वेंट ठीक है आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो ये आपकी मोलैलिटी हो गई कोई बड़ी बात नहीं है अच्छा यहां पर देखिए चौदह और बारह टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व और टू थाउजेंड एंड फोर्टीन में मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने को आता था खैर ऐसे आने के चांसेस बहुत कम है बट हम लोग लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन को आप एक्स से डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन ये आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा सॉल्यूट का जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स ऑफ सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन और अगर आपसे कोई सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करता है तो दैट विल बी वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यह आप ट्रेडिशनल मेथड लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन ठीक है आता है सबको कोई बड़ी बात नहीं अच्छा अब मोलैरिटी पूछ रहा है ये भी चौदह और बारह में रिपीट हुआ था देखो ये भी चौदह और बारह में रिपीट हुआ था मोलैरिटी डिनोटेड बाई कैपिटल एम इसकी फॉर्मूला uh, था इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल यानी डिवाइडेड बाय वन लीटर ऑफ द सल्यूशन वन लीटर ऑफ द सोल्यूशन ये आपके मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है तो ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी। अब यहां पर 2014 में देखिए एक और क्वेश्चन आया था अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलिटी ऑफ अ सोल्यूशन ठीक है हम लोगों को कैपिटल एम यानी मोलैरिटी मोलैरिटी और मोलालिटी में हमें डिफरेंस देना है तो क्या मोलारिटी मोलालिटी का फर्स्ट डिफरेंस तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर सोल्यूशन सबसे पहला डिफरेंस तो ये है लेकिन अगर हम मोलालिटी की बात करें तो मोलालिटी क्या है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वन के जी सोलवेंट डिफरेंस समझ में आया वन के जी सॉल्वेंट में है और यह वन लीटर सल्यूशन में है नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा इनके बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा यहां पर आपकी जो मोलैरिटी होती है योर मोलैरिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर यानी मोलैरिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया लेकिन आपकी मोलैरिटी पर देर विल बी नो चेंज देयर विल बी नो चेंज विथ टेम्परेचर देयर विल बी नो चेंज विथ टेम्परेचर समझ में आ रहा है पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों क्या तुमको दो पॉइंट समझ में आ रहे हैं और क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है पक्का 100% परसेंट क्लियर अच्छा तो ये डिफरेंस देने के बाद अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो अच्छा ज्यादा हवाबाजी करना चाहते हो तो फॉर्मूला लिख दो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू टू थाउजेंड अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहो तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो ये फॉर्मूला मैंने सोल्यूशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया है अगर आप यहां पर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें स्मॉल एंड मोलॉलिटी का देट विल बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट

ऑफ सॉल्यूट प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या चीज क्लियर हो गई तो यह वाला फॉर्मूला आपके मोलारिटी और मोलारिटी के बीच में कन्वर्जन का काम करेगा तो क्या एमएम mm का मतलब यहां लिख देता हूं दैट विल बी योर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट ठीक है बाकी पूरा फॉर्मूले में स्मॉल एम का मतलब आप लोग जानते हैं दैट इज मोलैलिटी कैपिटल एम का मतलब आप लोग जानते हैं मोलारिटी ये क्वेश्चन 2014 में आया था देखो 2014 तक थोड़ा सा इनका ओरिएंटेशन न्यूमेरिकल्स की तरफ कम था और थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन लोग ज्यादा चेपते थे मेरे को भी ऐसा लग रहा है क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है बहुत बढ़िया हम्म चलो हो गया आगे बढ़े ओ हो लो शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर मैंने कहा था भैया ये लोग न्यूमेरिकल पे कम फोकस करते हैं लो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया कह रहा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% परसेंट वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 ठीक है हमारे पास में सॉल्यूशन कैसा है हमारे पास में सॉल्यूशन है 9.8% परसेंट वेट बाय वेट तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता ऑफ H2SO4 यानी मैं ऐसा लिख सकता कि मेरे पास में 9.8 ग्राम सॉल्यूट है और मेरे पास में क्योंकि यहां पर परसेंटेज का साइन है मतलब डेफिनेटली मेरे पास में 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा यानी इसका मतलब यही तो होगा 9.8 परसेंट वेट बाय वेट मतलब मेरे पास में एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा और 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर 9.8 ग्राम एच टू एसओ फोर होगा तभी यह नाइन पॉइंट वेट बाय वेट सोल्यूशन पड़ा और क्योंकि यहां पर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखा है दैट मुझे यहां पर वेट लगाना पड़ेगा नाउ इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन ओके okay, यहां पर आपको सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है वन पॉइंट जीरो टू ग्राम पर एम एल आपको सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है तो आपको निकालना है मोलारिटी अब देखो मोलारिटी निकालने के लिए आपको चाहिए गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू थाउजेंड अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अब यहां पर आपके पास में क्योंकि H2SO4 है तो देखिए H2SO4 का गिवन मास तो आपको पता चल गया 9.8 ग्राम H2SO4 का मोलर मास आपको 98 ग्राम ऑलरेडी दे रखा है इनटू थाउजेंड सब कुछ है बस ये वॉल्यूम नहीं है सॉल्यूशन का सॉल्यूशन आपको यहां पर ग्राम में दे रखा है तो ग्राम को लीटर में ले जाने के लिए या ml में ले जाने के लिए डेंसिटी है ही जो आपको यहां पर क्वेश्चन में गिवन है सो डेंसिटी विल बिकम इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम नाउ डेंसिटी इज 1.02 ग्राम्स पर ml मास इस 100 ग्राम एंड वॉल्यूम हमें पता नहीं ग्राम से ग्राम कट गया वॉल्यूम इधर रह गया ये हो गया 100 एम ये एल इधर आ गया और 1.02। जब आप इसको फाइनली कुछ नहीं करना इस वैल्यू को यहां का यहां रख दो तो ये एम एल डिवाइडेड बाय 1.02 हो जाएगा अब इस 1.02 को मैं यहां रख दू तो कोई तकलीफ नहीं सर कोई तकलीफ नहीं तो हम एक काम करते हैं सीधे इस को यहां रख देते हैं अब आप यहां पर इसको देखेंगे कि ये ग्राम से ग्राम कट गया ये इधर एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया ये टेन टाइम्स चला गया ये 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 कट गया तो आपका अल्टीमेटली आंसर आ गया वन पॉइंट जीरो टू मोल्स पर लीटर क्योंकि यहां पर आपने इसको इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी है तो ये लीटर की वैल्यू में आ जाएगा ये भी मैंने आपको सिखाया है ये क्वेश्चन हम लोग सब सीख चुके हैं इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे ठीक है, पर फिर भी, भी बता देता हूं जनरली क्या होता है जो given volume of solution होता है ना ये क्वेश्चन में इसकी value ML में दी होती है तो हम जब इसको थाउजेंड से डिवाइड कर देते हैं ना तो एम अपने आप लीटर में बदल जाता है तो यहां पर तुमको जो एम में वैल्यू दी है ये यह यहां तक ठीक है लेकिन जैसे ही इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में यहां आ जाएगी एम बदल के लीटर में हो जाएगा क्योंकि एमएल को लीटर में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है उसको थाउजेंड से उसकी एमएल की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ता है राइट right? तो जब ये वैल्यू यहां रखी जाएगी तो ये इस तरीके से दिखने लगेगी अगर इसका ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोगों को हमारी जैगुआर सीरीज के सोल्यूशन के स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे घबराने की बात नहीं है पूरी जैगुआर सीरीज ऊपर आई बटन में भी दिखेगी और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा जाओ मोलैरिटी मोलैरिटी ठीक से पढ़ो अगर कोई बैकलॉग है तो अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो एक बार ये फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन मेरे से वापस सीख लो अगला क्वेश्चन अरे बाप रे कितनी गाली जुबान है मेरी मैंने बोला ही था कि हम लोग न्यूमेरिकल पर कम फोकस कर रहे लो फिर न्यूमेरिकल आ गया क्या बोल रहा है ग्लूकोज सोल्यूशन है टेन परसेंट वेट ओअल अब ये क्या यह टेन परसेंट वही वेट बाय वेट है Therefore, यहाँ पर क्या मैं ये मान लू कि मेरे पास में टेन ग्राम ग्लूकोज नाम का सॉल्यूट है और मेरे पास में सो ग्राम का सोल्यूशन है अभी आपसे बोल रहा, आप रहा है वॉट वुड बी द अभी आपसे क्या पूछ रहा है वॉट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन अरे ये तो हलवा है भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टू थाउजेंड अपॉन गिवन मास ऑफ ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट गिवन मास डिनोटेड बाय तो अब यहां पर मुझे बताओ सॉल्वेंट का मास मैं कैसे निकालूंगा मैं जानता हूं एक सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है सॉल्यूशन मेरे पास में हंड्रेड ग्राम है सॉल्यूट क्वेश्चन से टेन ग्राम मिल चुका है सॉल्वेंट मेरे पास में एक्स है तो एक्स की वैल्यू आ गई नाइनटी ग्राम मतलब मेरे पास में सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम चलो WA कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ग्राम ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम ठीक है अब देखो ये के हो जाएगा यहां मोल्स आ जाएंगे ग्राम ग्राम कट गया जीरो जीरो कट गया ये इससे कट गया अब यहां पर अल्टीमेटली क्या बचा यहां पर बचा थाउजेंड अपॉन एटीन इंटू नाइन मोल्स पर के जी बस इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत प्यारे बच्चों कोई दिक्कत मेरे तो प्यारे बच्चों आपको फाइनल आंसर दे देता हूं मैं क्या होगा फाइनल आंसर नाइन वन वन और एटीन फिर इसको टू से काट दो तो फिफ्टीन नाइन नाइन सा एटी वन फिफ्टीन जीरो पॉइंट सिक्स वन के आसपास कुछ आपका आंसर इसका आना चाहिए जीरो पॉइंट सिक्स वन के आसपास आपको इसका आंसर मिलना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत चले आगे बढ़े ग्रेट लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अरे भैया अरे 2014 का क्वेश्चन आ गया अरे अच्छा इस क्वेश्चन को देखो और जरा इस क्वेश्चन को देखो देखो समझना 2013 में जो क्वेश्चन आया एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का 10% परसेंट बाई वेट इसकी मोलालिटी निकालो ये क्वेश्चन पढ़ो ग्लूकोज का सोल्यूशन है वही लेवल है टेन परसेंट बाई मास वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी मतलब आपको इसकी एक तो मोलैलिटी निकालनी है तो गाइज इसकी मोलैलिटी अभी हम लोग निकाल कर आए हैं पिछले सवाल में कितनी थी मोलैलिटी जीरो पॉइंट सिक्स वन इसकी मोलैलिटी अभी हम लोगों ने निकाली थोड़ी देर पहले हा या ना यस और नो गाइस निकाली अभी क्या बोल रहा है आपको मोलैरिटी भी निकालनी है अभी आपको क्या बोल रहा है आपको मोलैरिटी भी निकालनी है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करे थाउजेंड इंटू डी चलो तो हम लोग एक काम करते हैं फार्मूला यूज करते हैं सो मोलैलिटी इज इक्वल टू थाउजेंड इंटू डी डिवाइडेड बाय थाउजेंड डिवाइडेड बाय मोलैलिटी प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज कर पाओगे इसके अंदर हा या ना क्या आप लोग यहां पर यह फॉर्मूला यूज कर पाओगे चलो इसके अंदर वैल्यूज रख के देखते हैं थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है टू डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय इसकी मोलैलिटी आप ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल चुके जीरो पॉइंट सिक्स वन प्लस मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इज वन एटी तो ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा मुझे यहां पर मेरे हथियार कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा सांभा जब तक तुम लोग भी करो इसको सॉल्व थाउजेंड मल्टीप्लाई बाईन टू विल बिकम वन टू जीरो जीरो ओ सी लो सीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो साबुन की बट टी यह हो जाएगा वन सिक्स फोर जीरो प्लस वन एटी वन सिक्स फोर जीरो प्लस वन एटी वन एट टू जीरो तो वन टू डबल 1820 वन एट टू जीरो तो जब आप इसको वन टू डबल जीरो को वन एट टू जीरो से डिवाइड करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स के आसपास सो दिस विल बी योर मोलैरिटी ठीक है गुलजारी ला लो ठीक है तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं अच्छा इस क्वेश्चन को करने का आपके पास में एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का आपके पास में एक तरीका और है। देखो आप पहले काम करो ये नोट तो कर लो अगर आपको ये तरीका जमे तो ठीक ट्रेडिशनल मेथड जो अपन हमेशा यूज करते हैं वो तो अपने पास में ही जो ट्रेडिशनल मेथड हम लोग हमेशा यूज करते आए वो तो हम लोगों के पास में है ही उसकी हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है तेरे भी नफील बड़ा कर हाँ, तो आपको डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी का इस्तेमाल करके आप वैल्यू निकाल लीजिए मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी इज टू ग्राम पर एम एल सोल्यूशन का mass, आपको पिछले क्वेश्चन से समझ में आ गया था कि सोल्यूशन आपका सौ ग्राम है तो आप यहां पर कर लीजिए मेरे पास सोल्यूशन भाई साहब सौ ग्राम है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मुझे पता नहीं ग्राम से ग्राम काट दो तो ये हो जाएगा थाउजेंड डिवाइडेड बाय पॉइंट टू ग्राम ठीक है अब आप यहां पर मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टू थाउजेंड अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सल्यूशन गिवन मास ऑफ़ द मास्यूट इज टेन ग्राम जो हमको पिछले क्वेश्चन से पता चल गया था यहां पर क्लियरली दिख रहा है ये देखो दस परसेंट सोल्यूशन था दस परसेंट को हमने कन्वर्ट किया था और इसका मोलर मास इज वन एटी ग्राम इसको सिंपल टेन ग्राम्स डिड बाय सिंपल टेन लिखो डिवाइडेड बाय एटी करो मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड करो और यहां पर आप इसका सोलूशन वॉल्यूम की वैल्यू लिख दीजिए हंड्रेड और ये वन पॉइंट टू आप ऊपर भेज दीजिए मेरे को इससे कुछ याद आया लेट मी चेक इट वंस यहां मैंने वन पॉइंट जीरो टू लिखा था ना हाँ ठीक है मेरे को लगा मैंने वहां पर वन पॉइंट टू तो लिख दिया ओके ये दो तो जीरो से ये दो तो जीरो कट गया इससे ये कट गया यहां पर केवल बचा ट्वेल्व डिवाइडेड बाय एटीन तो देखो यहां पर भी आंसर लगभग आपको वही मिलेगा जीरो पॉइंट सिक्स सेवन के आसपास ठीक है तो आपको आंसर लगभग सेम आ रहा है या तो जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स आएगा तो जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स के आसपास आपको आंसर मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कोई परेशानी किसी को कोई दिक्कत चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हां भाई साहब अगला क्वेश्चन देखो जरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज रिजोल्यूशन इज दिमाग लगाओ जरा इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या हो सकता है दिमाग लगाओ जरा इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या हो सकता है हाउ वी कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्या बोल रहा है ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर भाई ली चैट्रियल प्रिंसिपल क्या बोलता है ली चैट्रियल प्रिंसिपल के हिसाब से यह चीज काम करती है सबको मालूम है ये हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से था, ली ली प्रिंसिपल देखो मेरे को की स्पेलिंग नहीं आती भैया मैं पहले ही कह रहा हूं तो कोई गाली मत रखना कॉमेंट सेक्शन में पर ध्यान रखना एक बात समझना जब आप किसी गैस को लिक्विड में सोल्यूबलाइज करते हो तो प्रोसेस एक्जोथर्मिक होती है अब जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो प्रोसेस तो खुद ही हीट रिलीज करना चाह रही है वो प्रोसेस चाह रही है कि मैं हीट रिलीज करूं और तुम बाहर से उसको और हीट दोगे तो वो प्रोसेस हीट रिलीज करना चाह रही है और तुम और हीट दे दोगे तो क्या वो प्रोसेस टाइम पर कंप्लीट होगी नहीं वो प्रोसेस परेशान हो जाएगी तो ऐसी प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक होती है जो बाहर हीट रिलीज करती है उन लोगों के लिए बाहर का टेम्परेचर कम रखना चाहिए ताकि अंदर से हीट बाहर निकल जाए समझ में आ रही बात इसको ऐसा इमेजिन करो तुम्हारा पेट खराब है तुमने गंदी वाली छोड़ दी पों बाहर रूम में तुमने अच्छा लेवेंडर ऑयल का बढ़िया फ्रेगरेंस किया हुआ है इतने में में तुमने गंदी वाली छोड़ दी पूरे रूम बदबू फैल जाएगी सब नाक बंद करेंगे क्या छोड़ दी लेकिन अगर मान लो बाहर ऑलरेडी बहुत बदबू है और तुम धीरे से रिलीज कर देते हो तो किसको क्या फर्क पड़ेगा समझ मारी बात ठीक उसी प्रकार क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो बाहर का टेम्परेचर कम होना चाहिए तभी हमको रिजल्ट दिखेगा तो यहां पर क्या बोल रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर तो हां ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी गैस लिक्विड में डिजोल्व होती है यह प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक एक प्रोसेस है और अगर आपने गलती से टेम्परेचर रिएक्शन का बढ़ा दिया तो लिक्विड को गैस छोड़ के बाहर भागने लगेगी जैसा आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में होता है मतलब गैस लिक्विड में सोल्यूबलाइज हो जाती है लेकिन प्रेशर कम करने पर और टेम्परेचर बढ़ा देने पर हमने पढ़ रखा है इसको हेनरी लॉ में ये गैस लिक्विड को छोड़कर वापस से बाहर चली आएगी नहीं प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा आंसर नंबर बी दैट द प्रोसेस विल इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इट इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस टू ट्वेंटी वन में आया था बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये अब जरा ये क्वेश्चन देखो अब जरा ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को ऑन मिक्सिंग ट्वेंटी एम एल जब आप ट्वेंटी एम एल को थर्टी एम एल क्लोरोफॉर्म के अंदर मिलाते हो तो टोटल वेट क्या होगा अब देखो बड़ा दिमाग से खेला इन लोगों ने एक्चुअली आप लोग यहां पर देखिए एसीटोन इज सी एच थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एंड क्लोरोफॉर्म इज सी एच थ्री सी एल अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है यहां पर अब मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि आपके क्लोरोफॉर्म के अंदर तीन हाइड्रोजन आप लोगों को नजर आ रहे हैं और एसीटोन में ऑक्सीजन है देयर विल बी अ मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग

कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मुझे एसीटोन के इतने वेपर्स मिलेंगे और क्लोरोफॉर्म के इतने वेपर्स मिलेंगे ये आप कब एक्सपेक्ट कर रहे थे जब ये दोनों अपने प्योर फॉर्म में थे लेकिन जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि आपको एसीटोन के इतने वेपर और क्लोरोफॉर्म के इतने वेपर मिलेंगे वो नहीं मिल पा रहे हैं क्यों क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ने टाइट इंट्रेक्शन कर लिया इस वजह से जब आप इन्हें वेपोराइज करने की कोशिश करोगे तो एसीटोन का मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल एसीटोन को होल्ड कर लेगा इस वजह से आप लोगों को एक्सपेक्टेड से कम वेपर प्रेशर मिलेगा और इस तरीके के सल्यूशन को हम बोलते हैं दिस सोल्यूशन शोज नेगेटिव डिविएशन दिस सोलूशन शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ क्या बात समझ में आ गई अब क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया है ऐसी कंडीशन में आपका डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है ऐसी कंडीशन में आपका डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो जीरो के बराबर तो नहीं होता इनफैक्ट आपका डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है आपका डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो कम हो जाता है एस कंपेयर टू द टोटल एक्सपेक्टेड वॉल्यूम यानी आपका एक्सपेक्टेड वॉल्यूम कितना है ट्वेंटी एम एल प्लस थर्टी एम एल यानी कि टोटल एक्सपेक्टेड वॉल्यूम हो गया फिफ्टी लेकिन ये फिफ्टी से कम हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट सर ऐसा क्यों होगा भाई आप मेरे को एक बात बताओ जब एसीटोन अकेला था और जब क्लोरोफॉर्म अकेला था इनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल मैंने एक एसीटोन ने दूसरे एसीटोन को जिस हिसाब से पकड़ रखा था एक क्लोरोफॉर्म ने क्लोरोफॉर्म को जैसे पकड़ रखा था उनके बीच में एक पर्टिकुलर गैप थी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो सब अरेन्ज थे तो उनका वॉल्यूम मुझे उतना दिख रहा था लेकिन जब मैंने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को इतना टाइटली जुड़ गए जैसे कि एसीटोन एसीटोन से जुड़ रहा था उससे ज्यादा टाइटली क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म से जुड़ रहा था उससे ज्यादा टाइटली क्लोरोफॉर्म एसीटोन से जुड़ गया तो जब क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स थे इमेजिन करो एक क्लोरोफॉर्म दूसरे क्लोरोफॉर्म से इतना दूर था इमेजिन करो एक एसीटोन दूसरे एसीटोन से इतना दूर था लेकिन जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन बिल्कुल चिपक गए तो इनको कम जगह घेरनी पड़ेगी इनके मॉलिक्यूल्स क्योंकि ज्यादा पास पास आ गए एक दूसरे के ये कम स्पेस घेरेंगे मतलब कम वॉल्यूम होगा तो इनका वॉल्यूम 50 से कम होगा तो यहां से मुझे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात भी बतानी पड़ेगी दैट आप लोगों को इस क्वेश्चन को देखकर फोकस करना होगा ऑन द एग्जाम्पल्स गिवन ऑन द एग्जाम्पल्स एन सी ई आर टी ऑफ नेगेटिव डिविएशन पॉजिटिव डिविएशन मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी इन सब चीजों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा आपको यह पता लगाना होगा नेगेटिव डिविएशन एक सल्यूशन कब शो करता है राहुल से पॉजिटिव डिविएशन कब शो करता है लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा और ये सब चीजें मैंने आपको जैगवार सीरीज में पढ़ा रखी है एक भी चीज मेरे द्वारा छोड़ी नहीं गई है तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखना ठीक है, है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करें आइडेंटिफाई द लॉ ठीक है हमें एक लॉ आइडेंटिफाई करना है यहां पर क्या बोल रहा है फॉर एनी सोल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इच वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट इन द सोलूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट मोल फ्रैक्शन दैट इज योर राउल्स लॉ दैट इज योर राउल्स लॉ यह क्या बोलता है कि अगर आपके पास में एक सॉल्यूट है सो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एस पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए वेयर पी ए नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एक्स ए इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन एंड पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन यानी जब सॉल्यूशन में आ जाएगा तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अलावा सॉल्वेंट भी होगा तो यहां पर सॉल्यूट का जितना वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में लगता था उससे कंपैरेटिवली कम लगेगा तो यहां पर सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर अलग हो जाएगा प्योर स्टेट में अलग हो जाएगा तो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाई को सॉल्यूट माना है तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा इट विल बिकम पीबी नॉट एक्स बी सो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी पी ए प्लस पीबी का फॉर्मूला है इट कैन बिकम इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी ठीक है तो ये आपका राउल स्लॉ है बिना किसी टेंशन के आप राउल स्लॉ लगाकर आगे बढ़ सकते हैं ठीक है क्वेश्चन देखते हैं चलो अब यह बोल रहा है एन एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ द टू कॉम्पोनेंट यानी जब आप दो लिक्विड्स को दो कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं इन अ पर्टिकुलर रेशो तो लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट जो होता था लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता था उससे अब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है और एक हो गया मतलब ये क्या शो कर रहा है मतलब ये शो कर रहा है आपको मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉफी अब जरा इसका रीजन सोचो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफी का मतलब क्या है मतलब यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि लिक्विड ए और लिक्विड बी को एक पर्टिकुलर रेशियो में जब मैंने मिलाया तो लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया और अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया इमेजिन करो वाटर वाटर बॉइल करता हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर इमेजिन करो एक एक रफ एग्जाम्पल लो लेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इथेनॉल चलो इथेनॉल इथेनॉल 70 डिग्री पर बॉईल करता है दोनों को मैंने एक पर्टिकुलर रेशो में मिक्स कर दिया तो अब ये दोनों 65 डिग्री पर बॉईल कर रहे हैं अब जब किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में भले वाटर वाटर के हों इथेनॉल इथेनॉल के हों इनमें जो इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो पहले स्ट्रांग था तभी वाटर ने दूसरे वाटर को इतना टाइटली पकड़ रखा था कि इन दोनों को अलग करके वेपोराइज करने के लिए हम लोगों को 100 डिग्री लग रहा था लेकिन अब जब इथेनॉल 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 वाटर एथेनौल वाटर एथेनौल वाटर जुड़ गए तो अब इनमें इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं बचा और ये दोनों कहा बॉयल करने लग गए सिक्सटी डिग्री पे मतलब इनमें अट्रैक्शन कम है अब जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है तो यार ये सॉल्यूशन तो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं लॉ से मतलब मतलब हमने ये सोचा था कि जब वाटर अपने प्योर फॉर्म में होगा तो वो इतने वेपर शो करेगा और जब आपका इथेनॉल इंडिविजुअल था जब एक इथेनॉल ने दूसरे इथेनॉल को पकड़ा तब वो इतना वेपर शो करेगा इतना वेपर प्रेशर शो करेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेकिन जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो वाटर इथेनॉल एक दूसरे नफरत करने लग गए उन्होंने बोला दूर जा इथेनॉल ने बोला तू मुझसे दूर जा हाइपोथेटिकल केस है बुक का कोई ऑथेंटिक एग्जाम्पल नहीं है केवल समझाने के लिए बता रहा हूं बुक का ऑथेंटिक ऑथेंटिक्पल हमें बुक में मिलेगा और मेरे लेक्चर में मिलेगा ये केवल एक्सप्लेनेशन के लिए है तो वॉटर ने इथेनॉल को बोला दूर जा मैं पसंद तो नहीं कर रहा इथेनॉल ने वाटर को बोला दूर जा मैं भी तो नहीं कर रहा दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या कर रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में तो क्या होगा वाटर का एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वेपर्स दिखेंगे इथेनॉल के एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर्स दिखेंगे तो इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा यानी हम जो राउल्स लॉ लगा रहे थे आइडियल सिचुएशन समझ के कि वाटर जब प्योर होगा उस समय वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जितना वेपर शो करेगा और इथेनॉल जब प्योर फॉर्म में होगा और वो भी जब 100 डिग्री सेल्सियस पर लेट सेकेंड एग्जांपल 100 डिग्री पर जितना वेपर शो करेगा इन दोनों को मिक्स करने के बाद भी दोनों 100 डिग्री पर सेम शो करेंगे लेकिन अब क्या हो गया दोनों हंड्रेड डिग्री पर जितना शो करना चाह रहे थे उससे ज्यादा शो कर रहे हैं पॉजिटिव डिविएशन तो आंसर ही हमारा ये होगा मतलब यहां पर एक ट्रिक याद रख लो अब अगर आपको इतनी बकवास याद नहीं रखनी है ट्रिक याद रखना वो सॉल्यूशन जो राउल लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं वो हमेशा मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी शो करते हैं और वो सारे सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं यानी उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है राउल स्लॉग से अगर कोई नेगेटिव डिविएशन सोल्यूशन शो कर रहा है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन अपने प्योर फॉर्म से भी ज्यादा होता है तो जो नेगेटिव डिविएशन शो करता है वो हमेशा मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपी शो करता है बस ये भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा तो क्योंकि यहां पर सोल्यूशन लोअर हो गया था उनका बॉइलिंग पॉइंट यानी मिनिमम बॉइलिंग चल रही थी तो इस वजह से हमने ये वाला आंसर लिखा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पूरा थियोरिटिकल चल रहा है टर्म वन भैया हा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल शो एन आइडियल सोल्यूशन वैसे तो इस दुनिया में कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं होता तो हम इसे करेक्ट करेंगे नियर आइडियल बिहेवियर जो शो करें और उसका एग्जाम्पल हमारे एनसीआरटी में डायरेक्टली दे रखा है एन हेगेन एंड एन हैपटेन तो ये सब आपको बुक से मिल जाएगा चलिए इसको मैच करने की कोशिश करते हैं अभी वाला क्वेश्चन देखो भाई साहब ये भी टर्म वन में आया था हाँ अभी क्या बोल रहा है आपको इसको मैच करना है अब देखो यहां पर अगर मैं देखू तो ये जो है ये मेरे को इथेनॉल दिख रहा है और ये मेरे को वाटर दिख रहा है तो वाटर 4.6 परसेंट और इथेनॉल 95.4 परसेंट ये एक अजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ये एक अजियोट्रॉपिक मिक्सचर है और अजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट शो करता है यानी अब इथेनॉल अगर इतना परसेंटेज हो और वाटर अगर इतना परसेंटेज हो तो दोनों अपने ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट को छोड़कर एक नया बॉइलिंग पॉइंट को शो करने लगता है इन दोनों मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे वहीं पर यहां पर आप देखो मेरे पास में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है क्लोरोफॉर्म और एसिटोन एक दूसरे से स्ट्रांगली बाइंड हो जाते हैं और इस वजह से ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं क्या मेरी बात सही है ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं अब क्योंकि ये नेगेटिव डिविएशन शो कर रहे हैं इनको टेक्निकली मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होना चाहिए मतलब ये टू तो हो नहीं सकता ये थ्री भी नहीं हो सकता नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डिविएशन हा एक चीज ये हो सकती है कि ये नेगेटिव डिविएशन भी शो कर सकता है तो फाइव का आंसर भी सी से मैच कर रहा है और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरक्शन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो इसका आंसर फोर और फाइव दोनों है उसके बाद जब आपकी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी होती है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी कब शो करते हैं जब हम पॉजिटिव डिविएशन शो करें राउल्स लॉ से और जब आप पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं तो उसका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो से ज्यादा होता है तो ये भी मैच कर गया और इसका मतलब यह है कि ये जो दोनों है ये एक नियर आइडियल सोल्यूशन है बेंजीन और टॉलविन बेंजीन और टॉलविन एक नियर आइडियल सोल्यूशन होने की वजह से इनका आंसर ये होगा कि इनका डेल्टा एच मिक्सिंग ऑलमोस्ट बराबर होगा तो यहां पर देखो वन का बी आ रहा है ओके यानी बी ऑप्शन कट गया का ए आ रहा है ये भी मैच कर रहा है टू का बी ये बोल रहा है टू का यानी डी भी कट गया अब थ्री का डी आ रहा है तो मैंने थ्री का डी देखा इधर भी और इधर भी थ्री का डी अच्छा ये तीनों मैच कर रहे हैं ओ ओके अब यहां पर इशू ये आ रहा है कि मैं फोर का सी है इसमें और इसमें फाइव का सी है अब मैं चुनू क्या अब ये दोनों ही सही हो सकते हैं तो अब आप यहां पर ए के साथ भी जा सकते थे और सी के साथ भी जा सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 2017 का क्वेश्चन है द मेन एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजिस्ट टू प्रेडिक्ट हाउ गैसेज डिजोल्व इन द एलव एंड ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग गैशियस एक्सचेंज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर इन एलव एयर देन इन डी ब्लड सो ऑक्सीजन हैज हाई टेंडेंसी टू डिजॉल्व इन डी ऑक्सीनेटेड ब्लड स्टेट हेनरी लॉ अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन अ मिक्सचर यानी ये पूरी बेवकूफी नहीं हो गई इतना पूरा 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 थ्योरी देने के बाद अगर सामने वाला इंसान हमको बोल दे कि बस आपको तो कुछ नहीं करना आपको तो इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना तो क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे आप बोलोगे, बोलोगे द पार्शियल प्रेशर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन यानी एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर आपकी गैस का पार्शियल प्रेशर उतना ही होगा जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा यानी कि एक सल्यूशन के अंदर आपके गैस के जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा यहां पर P कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज के एच एक्स वेयर के एच इज योर हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट तो कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं थी अगला देखते हैं डिफाइन राउल लॉ राउल लॉ हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये राउल लॉ वाला क्वेश्चन मैं आपको यहां पर ऑलरेडी इसका पूरा डेरिवेशन ही करवा दिया था कहां करवाया था मेरे को देखना पड़ेगा ये वाला देखो यहाँ पर हमने इसका डेरिवेशन राउल स्लॉ कर लिया था सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट है ये टोटल है राउल स्लॉ में यहाँ डिफाइन कर चुका हूँ तो हम यहाँ पर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखो एसीटोन को जब आप प्योर इथेनॉल में ऐड करोगे तो क्या होगा वा? भाई क्या शो करेगा एनसीआरटी देख लो <laughs> पॉजिटिव डिविएशन पॉजिटिव डिविएशन शो करता है फ्रॉम लॉ क्योंकि यहां पर जो आपका एसीटोन होता है एसीटोन की बात यहां पर नहीं है बात यहां पर इथेनॉल की है क्योंकि देखो तो इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल जो होता है आपका सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इसके साथ आपका जो दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल होता है ना मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इन दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विच मीन्स इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल इथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है लेकिन जब आप यहां पर इथेनॉल के सामने सी एच थ्री सी एच टू ओ एच के सामने जब आप यहां पर एसीटोन डाल दोगे तो यहां पर आप देखो पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मिंग एन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कम हो जाती है क्यों क्योंकि यहां पर आप देखो ये हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन की तरफ बॉन्डिंग बनाने के लिए बढ़ेगा लेकिन यहां पर अल्काइल ग्रुप और यहां पर अल्काइल ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा अभी तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हो तो यहां पर एसीटोन और इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना थोड़ा मुश्किल है इसीलिए क्या होता है इथेनॉल इथेनॉल के साथ और एसीटोन एसीटोन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है बहुत अच्छा इनके बीच में अट्रैक्शन होता है लेकिन जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो इनके आपस आ, आपस में मिक्स होने की वजह से उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं देखी जाती इसीलिए ये लोग क्या शो करते हैं इसलिए ये लोग पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं और इस पॉजिटिव डिविएशन की वजह से आपको जो एक्सपेक्टेड इस सोल्यूशन का टोटल प्रेशर था उससे ज्यादा मिलता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है अजियोट्रॉप क्या होते हैं भाई अजियोट्रॉप आर द बाइनरी मिक्सचर अजियोट्रॉप क्या होते हैं आर द बाइनरी मिक्सचर बाइनरी मिक्सचर मतलब इसके अंदर एक सॉल्यूट होगा एक सॉलवेंट होगा या दो कॉम्पोनेंट होंगे जो एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पर जो अपॉन अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन दे शोज द सेम बॉइलिंग पॉइंट दे शोज द सेम बॉइलिंग पॉइंट ठीक है और इनका लिक्विड स्टेट में और इनका लिक्विड स्टेट में एंड वेपर स्टेट में कंपोजिशन सेम होता है लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में इनका कंपोजिशन सेम होता है इन्हें अजियोट्रॉप बोलते हैं ठीक है हलवा क्वेश्चन है कोई बड़ी बात नहीं भाई ये क्वेश्चन भी बहुत हलवा है जिनने मेरे साथ में पूरा ये चैप्टर पढ़ा है उन लोगों के लिए तो लिटरली क्वेश्चन हलवे हैं एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वॉटर वाई दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वॉटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर भाई देखो सीधी सी बात है वार्म वाटर में टेम्परेचर ज्यादा होगा भाई सीधी सी बात है जो आपके वार्म वाटर होते हैं वार्म वाटर में टेम्परेचर ज्यादा होता है अब आप लोग सब जानते हो कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होती है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है ये मैंने आपको सिखाया है एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटरियल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू ली चैटरियल प्रिंसिपल अगर आपकी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब अगर आपकी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और अगर आपने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाएगी तो यहां पर वार्म वाटर होने की वजह से यानी पानी का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज हो जाती है और अगर तुम्हारी गैस लिक्विड में डिक्रीज हो रही है सॉल्युबिलिटी, मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है और अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो भैया वॉट लगनी है लेकिन कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है गैसेस की स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर ज्यादा होती है ज्यादा मोल्स पाए जाते हैं इसलिए वो बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनिजम्स के लिए फ्रूटफुल और बहुत कंफर्टेबल होता है बिकॉज ऑफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दूसरा क्वेश्चन है एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम एनॉक् रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक बिल्कुल सही बात है एज वी गो अप एज वी गो अप जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाना शुरू करते हैं एज वी गो अप प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और हम लोग सब जानते हैं दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ तो अगर तुम्हारा प्रेशर रिड्यूस होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगा दैट इज आपकी जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की इन ब्लड आपके ब्लड में ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी और जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगेगा आपको एनोक्सिया नाम की प्रॉब्लम होगी बहुत अगले क्वेश्चन की तरफ चलते नॉन सॉल्यूट for पहली नजर में बहुतों तो की वाट लग गई क्यों क्योंकि आप लोगों को लॉ सिखाया गया था एक सॉल्यूट के लिए पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए आपका कॉम्पोनेंट एंड पी बी यानी दो इक्वेशन हो गई ये दोनों ही वोलेटाइल होते हैं राउल्स लॉ कब लगता है जब सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो तो ये वाला फॉर्मूला आप यहां पर लगा सकते हैं लेकिन इफ देर इज ओनली वन वोलेटाइल कॉम्पोनेंट लेकिन अगर आपका केवल एक ही वोलेटाइल कंपोनेंट होता है तो फिर इन दोनों में से लेट्स इमेजिन कि पीबी तो ही नहीं है वोलेटाइल नहीं 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 है मतलब इसके वेपर वेपर बन बन रहे वेपर नहीं बन रहे तो वेपर प्रेशर भी कहां से बनने वाला है तो यहां पर आपको केवल पी ए दिख रहा होगा दैट विल इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है एक्चुअली ये कंडीशन जो दिख रही है ये कंडीशन आगे चल के अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं दैट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये आप एक कॉम्पोनेंट पढ़ते हो रिलेटिव रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर हम इस चीज को देखते हैं तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है यहां पर हम लोग इस चीज को ऐसा देखेंगे कि लेट से आपके पास में ये जो एक कॉम्पोनेंट है जो केवल वोलेटाइल है जो दूसरा कॉम्पोनेट है नॉन वोलेटाइल उसको हमने हटा दिया नाउ पी ए को मैं काम करता हूं, P1 मान लेता हूं क्योंकि मैंने आपको इसको ऐसा पढ़ाया है पी वन नॉट एक्स वन ठीक है अब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है यानी डेल्टा पी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि एक सॉल्वेंट जो वोलेटाइल था उसमें जब आप एक सॉल्यूट मिला देते हो जो नॉन वोलेटाइल है अब उसके ऐड हो जाने की वजह से डेफिनेटली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा जैसा मैंने आपको सिखाया है कि जब सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में था तब उसकी सरफेस पर सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के थे सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के होने की वजह से सरफेस पर मौजूद सारे पार्टिकल वेपोराइज होंगे वेपोराइज होंगे तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ज्यादा वेपर्स होने की वजह से ज्यादा वेपर प्रेशर होगा लेकिन जब आप उसमें सॉल्यूट मिला देते हो तो अब सॉल्यूशन की सरफेस पर सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ गए मतलब आप सॉल्यूशन की सरफेस पर अगर 90 पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं तो 10 पार्टिकल सॉल्यूट के हो गए जो अब से कुछ देर पहले सॉल्यूट जब आपने ऐड नहीं किया था तो 100 के 100 पार्टिकल सॉल्वेंट के थे तो पहले 100 के 100 पार्टिकल वेपोराइज हो रहे थे और वो 100 के 100 पार्टिकल मिलकर वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे लेकिन अब कितना क्रिएट करेंगे अब नब्बे ही कर पाएंगे क्यों क्योंकि दस पार्टिकल सॉल्यूट के हैं और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है पॉइंट समझ में आया आप लोगों को तो अब आपका वेपर प्रेशर तो कम ही होना है क्योंकि वॉल्यूट क्योंकि सॉल्वेंट uh, के पार्टिकल सरफेस पर रिड्यूस होगा क्योंकि आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया समझ में आ गया तो रिलेटिव तो यहां पर हम लिखेंगे पी पी क्या लिखेंगे हम यहां पर यहां पर हम लिखेंगे पी वन नॉट माइनस पी वन पी वन नॉट माइनस पी वन इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों P1 वन नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और यहां पर P1 का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग द आफ्टर द एडिशन ऑफ सॉल्यू अब आप देखो यहां पर आपका जो P1 है इज इक्वल टू पी वन नॉट एक्स वन है क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत अब ये जो पी वन है ये पी वन की वैल्यू क्या है पी वन नॉट एक्स वन तो ये वैल्यू को क्या मैं यहां पुट कर दूं तो अब आपका डेल्टा पी मुझे दिखने लगेगा पी वन नॉट माइनस पी वन नॉट एक्स वन पी वन नॉट पी वन नॉट जब मैं कॉमन निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा पी वन नॉट वन माइनस एक्स वन और आप लोग सब जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एक्स एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन एक्स टू कैन ऑल्सो भी रिटर्न एक्स वन तो यहां पर मैं इसको x2 कर देता हूं तो so, डेल्टा p विल बिकम इक्वल टू p1 वन नॉट एक्स अब जब मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करूंगा तो दिखने लगेगा मुझे x2 टू इज इक्वल टू डेल्टा पी वन अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट अब डेल्टा पी की वैल्यू क्या है डेल्टा पी की वैल्यू ये है तो एक्स टू कैन ऑल्सो भी रिटर्न पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट तो ये इस तरीके से भी आप इसको डिराइव कर सकते हो तो ये पूरा एक्चुअली इन्होंने आपसे डेरिवेशन पूछा है हमको बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक थी है। लेकिन जिन बच्चों ने ये डेरिवेशन लिख कर आए थे उनको फुल मार्क्स मिले थे जो इतना छोड़कर आ गए थे ये यहां तक जो यहां तक छोड़कर आ गए थे उनको आधे ही नंबर मिले ठीक है अगला क्वेश्चन कह रहा between, है राइट टू डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन ठीक है भाई मैं यहां पर लिखूंगा आइडियल और यहां पर मैं लिखूंगा नॉन आइडियल आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन अब भाई आइडियल सोल्यूशन क्या होता है जो ओबे करे विच ओबेस द राउल्स लॉ नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है विच डू नॉट ओबेस द राउल्स लॉ यहां पर क्या होता है यहां पर जो इंटरेक्शन होता है यहां पर जो इंटरेक्शन होता है between solute and solvent particles between solute and solvent particles is exactly similar is exactly similar is exactly similar to the solute solute and solvent solvent interaction सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के की तरह ही होता है मतलब जितना अट्रैक्शन एक सॉल्यूट का दूसरे सॉल्यूट से होगा जितना अट्रैक्शन एक सॉल्वेंट का दूसरे सॉल्वेंट से होगा उतना ही अट्रैक्शन एक सॉल्यूट का सॉल्वेंट से होगा लेकिन यहां पर क्या होगा दे डू नॉट द सेम अट्रैक्शन दे डू नॉट द सेम अट्रैक्शन अब यहां पर दो केस बन जाते हैं पहले केस में अट्रैक्शन मे बी मोर यानी जितना सॉल्यूट सॉल्यूट में और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में होगा उससे ज्यादा अट्रैक्शन होगा जिनमें ऐसा होगा वो नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे वो नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे और इट मे बी लेस यानी जितना सॉल्यूट सॉल्यूट में होगा और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में होगा उससे कम इसमें होगा तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे समझ रही बात आप लोगों को समझ रही बात आप लोगों को तो ये हो गया अच्छा एक आप यहां पर लिख सकते हैं इनका डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो यहां पर इनका डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो एक आप चाहे तो ये भी लिख लीजिए इनका डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो आप इनका लिख लीजिए डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये आपके आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के बहुत सारे डिफरेंस हो गए आप यहां पर इनको आराम से लिख सकते हैं देख सकते हैं देख लो इसको क्लियर होता हो तो आगे बढ़े फिर ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नाव ये क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है आई थिंक आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन एनसीईआरटी कहीं पे शायद ये एनसीईआरटी का ही इंटेक्स क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है कहीं से आए चलिए बोल रहे पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ अचुरटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ इथेन इज वन बार नाउ गाइस ये जो क्वेश्चन है यहां पर आपको टेक्निकली क्या दे रखा है मास याद करो मैंने आप लोगों को ये वाला फार्मूला डिराइव कराया था हम लोगों ने इसका डेरिवेशन सीखा था इन हेनरीज लॉ इन हेनरीज लॉ गाइज में आपको एक बात बता दूं ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी जैगवार सीरीज के जो सल्यूशन के वीडियोज हैं अगर आपने नहीं देखे तो अभी भी वक्त है देख लो क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपको बुक में नहीं दिया है बुक में हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या है प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स राइट लेकिन यहां इस क्वेश्चन में आप जरा क्लियरली ऑब्जर्व करो आपको यहां पर इथेन का मास दे रखा है आपको यहां पर इथेन का मास दे रखा है और बोला गया द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सेचुरेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ इथेन इज वन बार अब यहां पर जब मास दे रखा है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे हुँ? तो यहां पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो यूज़ करते हैं मास इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई बाय पी आप यहाँ पर फॉर्मूले में चेंज देख रहे हैं यहां पर के एच और पी आमने सामने लेकिन यहां पर के एच और पी मल्टीप्लीकेशन है मैंने इसका पूरा डेरिवेशन सिखाया है मैंने नीचे प्लेलिस्ट लगा दी है जयगवार सीरीज वाली उसमें सोल्यूशन के सारे वीडियोस एक बार चेक करो कि यह फॉर्मूला कैसे आया ठीक है चलिए मास कितना दे रखा है 6.56 टू ग्राम के की वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन हमें पार्शल प्रेशर दे रखा है वन बार तो क्या आप लोग समझ गए के एच की वैल्यू कितनी हो गई सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस टू ग्राम्स पर बार अब आपको अगले केस में जा रखा इफ द सॉल्यूशन कंटेन इतने ग्राम सेम फॉर्मूला लगेगा अगर आपके सॉल्यूशन में केवल इतने ग्राम इथेन हो देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर अब आपको यहां पर पी फाइंड आउट करना है तो आपको केएच की वैल्यू तो यहां से मिल गई 6.56 10 टू द पावर -2 ग्राम पर बार मल्टीप्लाई बाय पी तो पी की वैल्यू हो जाएगी 5 10 टू द पावर -2 ग्राम डिवाइडेड बाय 6. फाइव सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस टू ग्राम्स पर बार ऊपर चला जाएगा बार बार कट गया ये ये कट गया आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी जो भी आप यहां पर इसको डिवाइड करेंगे आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी नियर अराउंड जीरो पॉइंट सेवन सिक्स के आसपास आनी चाहिए जीरो पॉइंट सेवन सिक्स बार विल बी योर आंसर ये आपके एनसीआरटी का ही क्वेश्चन है आई थिंक ये हाँ एनसीआरटी एक्सरसाइज से आया आई थिंक ये ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकिन बड़ा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर भी आपको एक ट्विस्ट है आपको ये जो फाइंड करना है कंपोजिशन इन वेपर फेस इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बाकी ऊपर वाला तो आप सॉल्व कर लोगे लेकिन नीचे वाले का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां पर मैं आ, देखना चाह रहा हूं दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एन भी इतना दे रखा है टेम्परेचर फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड व्हेन इज मिक्सचर सिक्स हंड्रेड एम एम यानी आपको पर राउल्स लॉ लगाना है राउल्स लॉ का फॉर्मूला होता है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी पी टोटल आपको दे रखा है सिक्स हंड्रेड एम एम एच जी पी ए नॉट आपको दे रखा है फोर फिफ्टी एक्स ए हमें नहीं पता भी आपको दे रखा है सेवन हंड्रेड अब एक्चुअली हमसे कंपोजिशन पूछा गया है, तो क्या आप लोग जानते हैं है, तो तो की की दिक्कत नहीं सर आप कर सकते हो तो यहां पर सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू फोर फिफ्टी एक्स ए प्लस सेवन हंड्रेड माइनस सेवन हंड्रेड एक्स ए जब ये इधर जाएगा तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी माइनस हंड्रेड जब ये सेवन हंड्रेड फोर फिफ्टी से माइनस होगा वैल्यू मिलेगी माइनस टू फिफ्टी एक्स ए माइनस माइनस कट गया ट्वेंटी फाइव वन साफ जीरो आपके एक्स ए की वैल्यू हो गई जीरो पॉइंट फोर अब जब एक्स ए की वैल्यू जीरो पॉइंट फोर हो गई तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए एक्स ए जीरो पॉइंट फोर हो गया एक्स तो बी हमें पता नहीं है और इज इक्वल टू वन मोल फ्रैक्शन वन के बराबर होता तो एक्स बी की वैल्यू हो गई जीरो पॉइंट सिक्स तो आपका एक्स बी हो गया जीरो सोल्यूशन में निकाल लिया ये आपने मिक्सचर का कॉम्पोजिशन निकाल लिया लेकिन अब आपसे वेपर फेस का पूछ रहा तो क्या वेपर फेस के लिए पता है फॉर्मूला होता है पी वन इज इक्वल टू वेपर फेस के लिए भी फॉर्मूला होता है दैट इज पी वन इज इक्वल टू वाई वन मल्टीप्लाई बाय पी टोटल मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट आपको वाई वन निकालना है तो वाई वन इज इक्वल टू पी वन अब पी वन की वैल्यू क्या होगी पी वन की वैल्यू अगर आप यहां पर जानते हो राउल्स लॉ का एक्चुअल फॉर्मूला तो इट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी और पी ए की वैल्यू होती है पी ए नॉट एक्स ए pa का मतलब होता है या p1 का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन तो वो निकलता है उस फॉर्मूले से सो pa नॉट x a इज इक्वल टू pa और वी कैन से p1 तो यहां पर pa नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 450 मल्टीप्लाई बाय इसका कंपोनेंट है 0.4 मैं वो कैलकुलेशन थोड़ा तकलीफ देने वाला लग रहा है तो मैं काम करता हूं मैं यहां पर p2 के निकालने की कोशिश करता हूं यहाँ पर मैं क्या करता की की वैल्यू निकालने कोशिश चार सौ बीस सेवन सिक्स ट्वेंटी तो पी टोटल कितना क्वेश्चन में दे रखा है छे सो तो यहां पर आप एक काम कर लीजिए आप इसको थोड़ा चेंज करके इसको वाई टू कर लो इसको पी टू कर लो पी टू की वैल्यू कितनी है फोर ट्वेंटी

देखना रहता है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बनने लग गए तो फिर तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं होती ठीक है कोई परेशानी आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अच्छा चलिए अब ये क्वेश्चन चेंज हो गए हैं अब यहां से आपको क्वेश्चन दिखने लगेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को करना यह भी आपका एक्चुअली एनसीआरटी का क्वेश्चन है 2013 में भी आया गया था और एनसीईआरटी में भी था देखा लिखा हुआ है इसके अंदर अभी कह रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज है इन 1 केजी वाटर इन अ सॉस पैन तो आपको यहां से मोलालिटी मिल जाएगी मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अब तुम्हारे पास में 18 ग्राम ग्लूकोज है ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है इनटू 1000 और आपको क्या दे रखा है वन के जी सॉस पैन वन के जी सॉस पैन यानी हजार ग्राम तो ये ये कट गया ये चला गया इससे टेन टाइम्सिटी जीरो अंडर इतना प्रेशर अच्छा यानी आपको पूछ रहा है यहां पर कि कितने टेम्परेचर पे बॉइल करेगा ठीक है तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं डेल्टा टी भी निकाल देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी के बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0.52 फाइव केजी पर मोल मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी की वैल्यू आगे 0.1 मोल्स पर केजी, तो देखो केजी से मैंने केजी काट दिया मोल से मोल्स काट दिया तो आपकी यहाँ पर वैल्यू हो, हो गई जीरो पॉइंट दैट इज योर डेल्टा टी वी हो गई वैल्यू अब यहां पर आप सभी लोग जानते हैं दैट डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मुकाबले इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तभी तो एलिवेशन बोला क्या है अब आपका सॉल्वेंट क्या है यहां पर वाटर तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट माइनस टी और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 0.052 तो टी भी इज इक्वल टू थ्री प्लस जीरो तो 373.202 सेवेंटी इज योर एग्जैक्ट आंसर ये तो अगर आपने एनसीईआरटी करी होगी ना तो वहां से भी आ जाएगा वहां पर ये क्वेश्चन था मेरे को बहुत अच्छे से याद आ रहा है इस तरीके के क्वेश्चन मैंने वहां देखा था ठीक है आगे बढ़े चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो काला जादू दिलते ना, दिलते ना, दिलते ना। अरे ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास में एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट -right है एक ग्राम इसको फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अच्छा तो यहाँ पर आपको डेल्टा हमको यहाँ पर एक्चुअली डेल्टा टीएफ निकालना है तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी का फॉर्मूला था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू थाउजेंड अपॉन गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट अब आपको डेल्टा टीएफ यहां पर कितना दे रखा है द लोअरड इन द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.40 केल्विन केएफ की वैल्यू दे रखी है आपको 5.12 केल्विन केजी पर मोल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यूबी डब्ल्यूबी क्या है आपका नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट वन ग्राम और इसी का आपको मोलर मास निकालना है गिवन मास ऑफ दो टू हंड्रेड कर दो इसको वन से मल्टीप्लाई कर दो तो एम बी विल बिकम इक्वल टू फाइव पॉइंट वन टू मल्टीप्लाई बाय टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट फोर जीरो के और यहां पर ये एक्चुअली मोल्स हो गया पर केजी हो गया ये तो मोल्स पर केजी से मोल्स पर केजी काट दो केल्विन से जी काट दो तो यहां पर आपका मोलर मास बचेगा बस तो वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट फोर गया फाइव टाइम्स तो आपको वैल्यू मिलेगी फाइव टू जेड टेन फाइव फाइव ट्वेंटी नियर अराउंड आपका जो आंसर आना चाहिए इस चीज का नहीं, 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 आएगा जरा देखो यार टू फिफ्टी सिक्स के आसपास आ रहा है क्या ये ट्वेंटी होगा ये टू हंड्रेड नहीं होगा ये होगा ट्वेंटी तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर ट्वेंटी तो ये हट गया तो ये चला गया इससे टू टाइम्स तो था, टू फिफ्टी सिक्स इज योर आंसर टू फिफ्टी सिक्स ग्रैंड इज़ योर आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ईजी शानदार क्वेश्चन बिना किसी परेशानी के हो गया ठीक है आगे बढ़े कोई तकलीफ़ तो नहीं दे रहा ये क्वेश्चन चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ओके 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 इन ऑफ़ ऑफ़ द द फॉलोइंग फॉलोइंग केस ब्लड सेल विल श्रिंक अब देखो आप लोग जानते हो कि हमारा जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो 0.9 पॉइंट नाइन मास बाय वॉल्यूम होता है अब अगर मैंने इसके अंदर सेल रखा और सेल श्रिंक हो रहा है मतलब सेल के अंदर का पानी बाहर जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस अब बाहर पानी क्यों जा रहा है ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी पर आपके सेल के अंदर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है यानी पानी ज्यादा है और बाहर पानी की मात्रा कम है कॉन्सेंट्रेशन वाइज इसलिए पानी अंदर से बाहर जा रहा है तो यहां पर वॉटर विल मूव आउट ऑफ द सेल टूवर्ड्स द एन एसियल यहां पर क्या होगा आपका जो पानी है वो अंदर से बाहर की ओर जाना चालू करेगा तो हम यहां पर इसका आंसर क्या मार्क करेंगे मेरे हिसाब से आंसर नंबर वन मार्क होना चाहिए वेन प्लेसड इन वॉटर कंटेनिंग मोर देन जीरो पॉइंट नाइन वॉल्यूम ऑफ द एन एस एल यानी बाहर वाले सल्यूशन में यानी यहां पर आपने जो सल्यूशन रखा है इस सल्यूशन के अंदर जीरो पॉइंट नाइन मास बाय वॉल्यूम से ज्यादा क्वांटिटी है एन ए सी एल की यानी यहां पर टेक्निकली एन की मात्रा ज्यादा है और वाटर की मात्रा कम है किसके मुकाबले एस कंपेयर टू सेल एस कंपेयर टू सेल जिसके अंदर वाटर वाटर अब ज्यादा हो गया और एन कम हो गया तो वाटर हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा हलवा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं ओके 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 हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू वन लीटर ऑफ वाटर सो दैट सो सॉल्यूशन विल फ्रीज एट माइनस फोर्टीन डिग्री सेल्सियस वॉटर विल फ्रीज एट माइनस फोर्टीन डिग्री सेल्सियस यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू यहां पर आपका जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन अब आप लोग जानते हैं कि आपका वॉटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है टू 73.15 केल्विन्स अपन एक काम करते हैं फॉर द ऑफ कैलकुलेशन हम इसको 273 सेवेंटी लिख लेते हैं डेल्टा टी एफ बोल रहा है माइनस फोर्टीन डिग्री सेल्सियस यानी 14 डिग्री सेल्सियस से ये कम हो जाएगा तो हम यहां पर लिखेंगे 14 कैलविन क्योंकि डिग्रीज हो या कैलविन हो बात एक ही है तो जब ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 273 सेवेंटी थ्री माइनस फोर्टीन यानी कि 259 कैल्विन्स इनमें फोर्टीन जोड़ा तो चार नौ तीन तेरा पांच है ना 259 कैल्विन्स इज़ योर न्यू फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है नहीं फ्रीजेस है माइनस 14 डिग्री सेल्सियस माइनस 14 डिग्री सेल्सियस यानी 273 जीरो डिग्री उसमें से माइनस यानी 259 ठीक है चलो ये हो गया अब आपसे पूछो कितना इथाइल अल्कोहल ऐड करना है इथाइल अल्कोहल क्या होता है CH3 CH2 OH टू ओ एच यानी दो कार्बन ट्वेंटी फोर तीन चार पांच छह हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मोलर मास चलिए तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू टू अपॉन एम टू मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू वन डेल्टा टी एफ की वैल्यू हो गई फोर्टीन के एफ की वैल्यू हो गई 1.86 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ए की वैल्यू हो गई हमें नहीं पता लेकिन इसका मोलर मास 46 हमें पता है इन टू थाउजेंड अपॉन वन लीटर वन लीटर ऑफ वाटर तो वाटर की डेंसिटी तो वन होती तो लीटर हो या के जी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये और ये कट गया और 14 उसमें जाके मल्टीप्लाई हो गया 46 से और 1.86 डिवीजन में आ गया तो आपके एक्स की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी समझ में आ रही बात प्यारे बच्चों तो हम इसको एक बार कैलकुलेटर से यूज कर लेते हैं फटाफट कैलकुलेट करने के लिए खैर कैलकुलेटर मिल जाए उतनी देर में तो मेरे प्यारे गुलजारी लालू ने चेप दिया होगा इसको फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय फोर्टी सिक्स सिक्स फोर्टी फोर को जब आप डिवाइड करेंगे वन पॉइंट एट सिक्स से तो वैल्यू आएगी थ्री फोर्टी सिक्स पॉइंट टू ग्राम्स तो so, यही आप लोगों का आंसर होगा मेरे प्यारे बकड़ो चलो आगे बढ़ते हैं अरे अरे यार शिट, ओके इसके तो अवेलेबल है इस क्वेश्चन के ऑप्शन अच्छा, पर हमें क्वेश्चन दे रखा था देखो हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया लेकिन हमें इधर ऑप्शन में मोल्स दे रखे मतलब कितना मोल होना चाहिए तो ठीक है हमारे पास में गिवन मास तो निकल के आई गया है तब हम लोग जानते हैं कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास मास अपॉन मोलर तो गिवन मास कितना है भैया 346.2 मोलर मास कितना है भैया 46 तो 7 4 28 यानी 46 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं 7 6 42 7 4 28 9 32 32 यानी कि 322 तो 22 के बाद में 46 यानी कि 24 कैरी फॉरवर्ड 7 3 अच्छा लगभग कि 7.5 मोल्स के आसपास बेटा इसका आंसर आना चाहिए तो हमारा ऑप्शन नंबर वन इज सुपर करेक्ट बहुत बढ़िया एकदम अच्छा नहीं लाइफ चलिए अगला क्वेश्चन अगेन डेली गवर्नमेंट के कहीं पेपर में आया था ये तो भाई ये क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में किसके मिल चलता क्वेश्चन है ये हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर से निकल कर आया है केन शुगर है आपके पास में पांच परसेंट सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद दिस यानी कि ऑफ दिसन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला मोलारिटी ले लें सॉल्यूशन दे रखा है मोलारिटी ले ले मोलारिटी क्या होती है गिवन मास पांच परसेंट यानी पांच ग्राम अपॉन मोलर मास थ्री फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड थाउजेंड लेकिन यहां पर क्योंकि परसेंटेज में है मतलब परसेंटेज का मतलब हम लोग क्या समझेंगे हम लोग यह समझेंगे कि हमारे पास में पांच ग्राम केन शुगर है इन हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन और यहां पर हम लोग क्या समझेंगे हम लोग समझेंगे वन ग्राम इन हंड्रेड एम एल सोल्यूशन शुगर की दोनों तरफ बात चल रही है तो जाएगा थाउजेंड डिवाइडेड बाय हंड्रेड इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय इफ इज आइसोटोनिक ऑफ़ अ सोल्यूशन एक्स तो अभी एक्स क्या है एक्स हमें नहीं पता मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो ये और ये कट गया ये और ये कट गया ये टेन इससे कट गया x उधर चला गया तो ये हो जाएगा थ्री फोर्टी टू डिडेड बाई फाइव यानी फाइव सिक्स आंसर नंबर बीज करेक्ट देखो इजी क्वेश्चन है ना था ना इजी क्वेश्चन कोई परेशानी नहीं, नहीं थी इसके अंदर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ओके अगे नहीं कुछ मुझे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसा दिख रहा है क्या बोल रहा है ये ंग पॉइंट ऑफ अ जीरो पॉइंट टू मोलर सोल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इस अच्छा ओके okay. आपसे क्या पूछा था पॉइंट अच्छा इन वॉटर पूछ रहा है ठीक है तो यहां पर अगर हम यहां पर निकाले डेल्टा टीबी टू के बी मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी अब तुम यहां पर के बी की वैल्यू दे रखी वॉटर की जीरो पॉइंट फाइव टू केलविंस के जी पर मोल और मोलालिटी दे रखी जीरो पॉइंट टू और मोलालिटी की यूनिट होती है मोल्स पर के जी तो के से के जी मोल से मोल काट दो तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी जीरो पॉइंट फाइव टू मल्टीप्लाई बाय जीरो कैलकुलेट करके देखना आई थिंक इट विल कम आउट समथिंग अराउंड जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट वन जीरो विल बी योर डेल्टा टी अब हम लोग सब जानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आपके सल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा आपके सॉल्वेंट से तो आपका सॉल्वेंट का आपके सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैल्विन सॉल्यूशन का हमें पता नहीं है एलिवेटेड हो गया है जीरो पॉइंट वन जीरो फोर कैल्विन से तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बिकम इक्वल टू थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव प्लस जीरो पॉइंट वन जीरो फोर कैल्विन तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो थ्री सेवेंटी थ्री ही रहेगा ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा फाइव तो दिस विल बी योर आंसर थ्री सेवनटी थ्री पॉइंट टू फाइव फोर थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव फोर और अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में हमसे ये पूछा है तो हम लोग जानते हैं कि थ्री थ्री पॉइंट टू फाइव फोर इज योर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो ये इतने कैलविन से बढ़ रहा है मैंने जब आप इसमें थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव से हटा भी दोगे तो वही वैल्यू निकल गया जीरो पॉइंट वन जीरो फोर तो ये डिग्री सेल्सियस में बढ़ गया तो हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट वन जीरो फोर डिग्री कैलविन तो ये आपका आंसर नंबर सी होना चाहिए सही और क्या आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर नंबर सी इज करेक्ट ठीक है कोई प्रॉब्लमेटिक चीज तो नहीं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये हमारा थर्टी क्वेश्चन है तीसवा क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखिए इस ग्राफ को देखिए ये आपका ग्राफ जो है ये रिलेटिव नहीं इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला है आप देखो ये वाला जो ग्राफ है ये नीचे जा रहा है और यहां पर आकर जीरो हो जा रहा है और ये यहां से आकर यहां पर आकर जीरो हो रहा है मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये एक्चुअली क्या बता रहा है तो ये बता रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट को ये बता रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट को नहीं सॉल्यूशन को सॉरी 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 सॉल्वेंट का तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाएगा दैट यहां वाला जो है, of, solvent, जो है दैट इज योर फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ सॉल्वेंट यहां से नजर आता है एंड दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ये आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है ये ग्राफ हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था तो ज्यादा इसके अंदर लोड लेने की हमें जरूरत नहीं है, तो देखते है किसी चीज रिटेन हो जाए या पफीनेस आ जाए यानी सीधी सीधी भाषा में स्वेलिंग आ जाए इज ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक अकर्स ड्यू टू भाई देखो तो सीधी सी है अगर मैं बहुत ज्यादा नमक खा लू सुनना इमेजिन करो मेरी बॉडी है मेरी बॉडी में ये सेल है और आसपास सब ब्लड ब्लड है अब मैं बहुत नमक खा लू तो मेरे सेल्स के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा यानी जीरो पॉइंट नाइन परसेंट से ज्यादा सॉल्ट हो जाएगा इसका मतलब मेरे सेल के अंदर वॉटर कम हो जाएगा अब क्योंकि मेरे सेल के आसपास जो सल्यूशन है उस सल्यूशन में वाटर ज्यादा होगा और सॉल्ट कम होगा इस वजह से सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से जो पानी है वो बाहर से अंदर आना शुरू कर देगा क्योंकि वाटर यानी सॉल्वेंट का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होना इस कॉल्ड एज ऑस्मोसिस और यही प्रोसेस की वजह से मेरे सेल में आ जाएगी स्वेलिंग तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑस्मोसिस दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस अगला क्वेश्चन देखो हाँ अब ये क्वेश्चन देखो गाइस ये बोल रहा है विच पेयर ऑफ सोल्यूशन इज आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर अब गाइस यहां पर एक बार ध्यान रखना आइसोटोनिक का मतलब है कि यहां पर आपके आयोनाइजेशन होना कंपलसरी है अब यहां पर आप देखो यूरिया यूरिया ये ऑप्शन आप पहली फुर्सत में काट दो क्यों क्योंकि यूरिया आयोनाइजेशन शो ही नहीं करता अब यहां पर मेरे पास में 0.1 पॉइंट वन मोलर NaCl है मतलब जब ये NaCl डिसोसिएट होगा इन एन पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव तो मेरे को 0.1 मोल इसका और मोल इसका मिलेगा सो देर फोर आई हैव जीरो पॉइंट टू मोल्स ऑफ आय ठीक है वी हैव जीरो पॉइंट टू मोल्स ऑफ आयंस यहां पर जब मेरे साथ में ये पॉइंट टू मोल्स एम Mg पॉजिटिव और 2Cl है तो बेसिकली जब 0.2 टूटेगा तो ये बनाएगा 0.2 तो तो होगा, लेकिन ये 0.4 हो जाएगा सो टोटल इट विल बिकम 0.6 पॉइंट सिक्स मोल्स आयंस तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट है ही नहीं यहां पर तो आपसे वो आइसोटोनिक के बारे में पूछ रहा है आइसोटोनिक मतलब जब इन दोनों टाइप के सॉल्ट में आयन्स का काट्रेशन सेम हो जो कि नहीं दिख रहा है मतलब कि ये भी कट गया मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा लेकिन हम प्रूफ करेंगे 0.1 मोलर एन तो जब आपका Na2SO4 टूटेगा तो ये बनाएगा टू एन पॉजिटिव प्लस एसओ फोर नेगेटिव अब क्योंकि ये 0.1 मोल है तो ये इसका दुगना है ये इसका दुगना है तो ये हो जाएगा 0.2 मोल और ये हो जाएगा जीरो पॉइंट वन मोड सो टोटल इट विल बिकम जीरो पॉइंट थ्री मोल अब तुम्हारे पास में यहां पर ये यह आ गया सी एन ओ थ्री होल्ड वाइस जब ये टूटेगा तो ये बनेगा सी ए डाय पॉजिटिव प्लस टू एनओ थ्री नेगेटिव अब क्योंकि ये भी मेरे पास में जीरो पॉइंट वन मोल है और क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ आयन बराबर है इसी वजह से यह डेफिनेटली आइसोटोनिक होगा और हमारा सही आंसर यही होने वाला है इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं देखो समझ में आ रहा है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं असर्शन क्या बोल रहा है असर्शन बोल रहा है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी क्या आपका के एफ मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग मोलल डिप्रेशन मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट बिल्कुल सही बात है 100 परसेंट करेक्ट बोल रहा है हम लोग सब जानते हैं हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पर डिपेंड करती है लेकिन जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी के एफ और साथ साथ में इबेंट के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है तो असर्शन इज करेक्ट क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज अवर्सल कॉन्स्टेंट रॉन्ग भाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा वाटर के लिए अलग वैल्यू लिखते हैं इथेनॉल के लिए अलग लिखते हैं बेंजीन के लिए अलग लिखते हो तो इसका आंसर क्या होगा असरशन इज असर इज करेक्ट रीजन इज रॉन्ग असरशन इज करेक्ट रीजन इज रॉन्ग चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब आपसे ये पूछ रहा है डिफाइन द टर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो अब आप लोग जानते हैं कि वॉट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जो डिपेंड करती है वो कहलाती है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ डिस्कशन करना है नहीं बहुत इजी पीजी टॉपिक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हम इसे पाए से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट आप लोग सब जानते हैं ऑस्मोसिस होता है ऑस्मोसिस में आपका सॉल्वेंट यानी आपका लिक्विड हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आता है मैं यहां पर सॉल्यूट की बात नहीं कर रहा हूं बहुत सारे बायोलॉजी वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हम यहां पर सॉल्वेंट को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं कि जहां पर सॉल्वेंट यानी वाटर ज्यादा होगा वो वहां से कम सॉल्वेंट की तरफ कम कॉन्सेंट्रेशन वाले सेल की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा तो हायर से लोअर की ओर जाता है तो यहां पर ऑस्मोसिस में आपका जो सॉल्वेंट है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना शुरू कर देगा तो वो प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोसिस अब अगर आप ऑन द साइड यानी जिस तरफ आपके सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है अगर आप वहां पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे तो उस प्रेशर की वजह से सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाएगा एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर पाए पाए से इसको डिनोट करते हैं

और मेरे पास में अगर दूसरा सोल्यूशन है उसमें भी जीरो पॉइंट नाइन परसेंट वेट बायम एन एस का सोल्यूशन तो आइसोटोनिक हो जाएंगे एग्जाम्पल आइसोटोनिक का क्या है आपकी बॉडी के सेल्स और वो जो इंजेक्शन लगते हैं या वो जो बॉटल चढ़ती है ना बॉटल जिसको अपन बोलते हैं कि आम, क्या बोलते हैं यार उसको डेक्स, की बॉटल चढ़ती है ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती है ना लोगों को तो वाटर आई I मीन mean, जो बॉटल है उसके अंदर जो सॉल्ट का या जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन एक्जैक्टली exactly वो हमारी बॉडी में तभी हमारी बॉडी के सेल्स ना तो फूलते हैं ना तो श्रिंक होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज मोलल अरे क्या हो गया अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट अब देखो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की बात अगर मैं आपसे करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का होता है डेल्टा टीबी इज़ इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम सो के बी क्या हो जाएगा के बी इज डेल्टा टी बी बाय एम एंड मोलालिटी क्या है मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वन के जी सॉलवेंट इन वन के जी सोलवेंट तो अब आप के बी को डिफाइन कैसे करेंगे आप केबी को बोलेंगे इट इज द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिंग वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन वन के जी सॉल्वेंट जब आप एक के जी सोलवेंट के अंदर एक मोल सॉल्यूट मिला देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन आएगा दैट इज कॉल्ड एज इविलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या बात समझ में आ गई मैं इसको डिफाइन करवा देता हूं इट इज इविलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज द इोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज द एलेवेशन इज द एलेवेशन इज द एलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर एडिंग आफ्टर एडिंग वन मोल ऑफ सॉल्यूट वन मोल ऑफ सॉल्यूट यूज़ुअली ये नॉन वोलेटाइल होने चाहिए वन मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल वन मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वन केजी इन वन केजी सॉल्वेंट ठीक है दैट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है दो तरीके के क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से पढ़ो इसको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विथ 0.9% NaCl सॉल्यूशन अभी मैंने आपको बोला कि हमारी बॉडी के जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो सबके अंदर 0.9% NaCl का सॉल्यूशन होता है और अगर आप बॉडी के बाहर भी 0.9 पॉइंट परसेंट एन का सोल्यूशन बनाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है सेम कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन को आइसोटोनिक बोलते हैं ना वॉट हैपन इफ यू प्लेस ब्लड सेल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग वन पॉइंट टू यानी यहां वाले केस में क्या हो रहा है आपने यहां पर जो सोल्यूशन रखा उसका सल्यूशन वन है और आपका जो सेल है सेल में जीरो पॉइंट नाइन परसेंट है मतलब यहां वाली कंडीशन में क्या होगा प्यारे बच्चों यहां वाली कंडीशन में आपका जो सॉल्ट होगा उसकी मात्रा कम होगी मतलब यहां पर वॉटर की मात्रा ज्यादा होगी और सॉल्यूशन के अंदर वन पॉइंट टू परसेंट होने का मतलब है आपका सॉल्ट का मात्रा ज्यादा है कंपैरेटिवली और वाटर की मात्रा कम है भाई सेल के अंदर सॉल्ट 0.9 परसेंट है तो वाटर 99.1 परसेंट हो गया लेकिन यहां पर सॉल्ट की मात्रा 1.2 हो गई मतलब सोल्ट की मात्रा 98.8 परसेंट हो गई तो सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सॉल्यूशन के अंदर पानी कम है परसेंटेज के बेसिस पे इस वजह से क्या होगा सेल में से पानी बाहर जाने लगेगा और इस वजह से यहां पर आपका जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा आपका जो सेल है इन दिस कंडीशन इट विल श्रिंक समझ में आई बात समझ में आई बात दूसरा केस ये क्या बोल रहा है कि आपके पास में यहां पर सल्यूशन है इसमें सेल के अंदर जीरो सोल्ट है और यहां पर आपका सोल्ट का सोलूशन जीरो मतलब यहां पर इसने सोल्ट की मात्रा और कम कर दी तो भाई सोल्ट की मात्रा कम कर दी तो वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी मतलब अब यहां पर वाटर कितना हो गया नाइनटी नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट और सॉल्ट कितना हो गया जीरो पॉइंट फोर परसेंट लेकिन हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट सॉल्ट जो होता है वो अब तो वाटर यहां पर मुझे ही दिख रहा है. तो यहाँ पर क्या हो आपका जो वाटर यहां पर ज्यादा यहां पर कम है तो वॉटर कम कहां है सेल के अंदर ज्यादा कहां है सेल के बाहर ज्यादा हो गया नाइनटी तो अब बाहर से पानी अंदर आने लगेगा और आपका जो सेल है इट विल स्टार्ट स्वेलिंग अप सेल क्या करने लगेगा सेल अब यहां पर स्वेल्ड अप होने लगेगा क्या यहां पर आपको बात समझ में आ रही है चलिए ग्रेट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये बोल रहा है लिस्ट एनी फोर फैक्टर्स ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड्स भाई सबसे पहला फैक्टर तो हम लोग सब रट के आ चुके हैं कि जो आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूट उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं ये उस पर डिपेंड करेगा दूसरा ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा क्योंकि जो आपका क्रायोस्कोपिक या इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है वो आपके सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है तीसरा हो जाएगा आपका टेम्परेचर ये तीन फैक्टर तो गाइज हम लोग हमेशा से रट के आए हैं और चौथा आपका वेंट ऑफ फैक्टर अरे एसोसिएशन हो रहा है क्या डिसोसिएशन हो रहा है क्या तो हम लोगों ने हमारे सारे फॉर्मूले को वेंट ऑफ फैक्टर आई से मल्टीप्लाई नहीं किया था याद करो तो इन चार फैक्टर पर बेसिकली चीज डिपेंड करती है इसको आप कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा सॉल्यूट होंगे उतना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यू हैव टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का तो मैंने आप लोगों को डेरिवेशन अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था तो वो कहाँ चला गया मैं एक बार देख लेता हूं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेरिवेशन ये रहा ये आपका रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हम लोगों ने यहां तक निकाल लिया था देखो x2 टू इज इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट तो हम यहां पर इसको आगे कंटिन्यू कर ले हम यहां पर ऐसा लिख ले पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू अब यहां पर मुझे बताओ वॉट डू मीन बास टू इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यहां पर जो भी कॉम्पोनेंट टू है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू अब यहां पर क्योंकि एन टू की वैल्यू बहुत कम होती है हम यहां पर एन वन की वैल्यू को बहुत ज्यादा मानते हैं एन टू को इग्नोर कर देते हैं तो यह जाएगा एन टू अपॉन एन वन अब एन टू क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू और मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास और इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला भी होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास तो ये ऊपर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा W2 टू इंटू एम वन अपॉन डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एम तो यहां पर आपके X2 की जगह आप यहां पर लिख सकते हैं पी वन नॉट माइनस इन टू एम वन अपॉन डब्ल्यू वन इन एम टू अब यहां पर आपको जो आपका मोलर मास निकालना है आपको किसका आपके सॉल्यूट का वो आप एम टू से निकाल सकते हैं क्योंकि टू इज फॉर सॉल्यूट एंड वन इज फॉर सॉल्वेंट तो ये क्वेश्चन भी इजी था कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर भी इजीली सॉल्व हो गया कहां गया ये रहा। ठीक है ये क्वेश्चन भी पंद्रह में आया था सॉल्व हो गया चलिए अगला क्वेश्चन मुझे न्यूमेरिकल टाइप का दिख रहा है तो इसको थोड़ा साइड में लगा देते हैं पहले इस तरीके से और अब इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जिसका मोलर मास आपको इतना दे रखा है टू बी डिजोल्ड इन इतने ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री अब देखो यहां पर ध्यान रखना 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर लोअर किया जा रहा है आपका फ्रीजिंग पॉइंट तो आप एक बात ध्यान रखना भाई पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है टू सेवेंटी थ्री इक्वल टू जीरो अब अगर मैं इसको इतने डिग्री से कम कर दूं मतलब जीरो से अगर मैं 1.5 डिग्री सेल्सियस कम कर दूं तो माइनस वन डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आ जाएगा तो अगर मुझे माइनस वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस को कैलविन में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा मैं टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव में से वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस माइनस कर दूंगा तो यहां पर मुझे क्या वैल्यू मिलेगी टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव में से आपने वन पॉइंट फाइव माइनस कर दिया तो ये हो गया फाइव पांच और एक 6 ये तो हो जाएगा टू सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स फाइव कैलविन टू सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स फाइव अब आप एक बात यहां पर ध्यान से देखो कि जब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे जब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे इट विल कम आउट टू तो बी 1.5 आउटिन तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना अगर आपको यह दे रखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट इतने डिग्री सेल्सियस से कम हो गया या बॉइलिंग पॉइंट इतने डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया तो आंख बंद करके डिग्री सेल्सियस को कैलविन में लिख दिया करो तो यहां पर डिग्री सेल्सियस इतना कम हो गया है

w2 आपको निकालना है मास की वैल्यू मोलर मास आपको दे रखा है 1.76 ग्राम्स पर मोल मल्टीप्लाई बाय 1000 और 1 आपको दे रखा है 75 ग्राम एसिटिक एसिड एसेट में इसने डिसॉल्व किया है तो यहां पर अब आप देखेंगे इस चीज को बड़े ध्यान से कि ये वैल्यू ग्राम्स में होगी ये इसको जब आप 1000 से इस ग्राम्स को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू केजी में तो ये केजी से आप ये केजी काटो कैलविन से कैलविन काटो मोल से मोल काटो अब यहां पर आपके पास में केवल बाद वैल्यू बचेगी आपको W2 की वैल्यू निकालनी है। तो W2 टू इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन सिक्स मल्टीप्लाई बाय 75 क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है यहां पर डिवीजन में आ जाएगा 1000 और 3.9 ठीक है 5 थ्री फाइव 13 और 15 थर्टीन और फाइव थ्री जिफ्टीन पांच थर्टीन फाइव जिक्सटी फाइव होता है।, हाँ है चलो तो ट्वेंटी तो फाइव थ्री जी सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर जन्ड्रेड फोर्टी तो आप यहां पर जब आप डब्ल्यू टू को सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कुछ फाइव पॉइंट जीरो सेवन सेवन एंड दिस विल बी योर आंसर इस तरीके से आपको आपका आंसर निकालना रहेगा वही डायरेक्ट क्वेश्चन है कोई बड़ी बात नहीं है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन मुझे मजेदार लगा क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और थोड़ा सल के बाल नोचने पड़ जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर पर करके देखते हैं देखो क्या बोल रहा है पांच परसेंट आपके पास में बाय मास का केन शुगर का सोल्यूशन है तो आपके पास में सोल्यूशन परसेंटेज में दे रखा है मतलब सोल्यूशन हंड्रेड ग्राम होगा इसमें आपका सोल्यूट कौन है इसमें आपका सॉल्यूट है केन शुगर तो केन शुगर आपके पास में पांच परसेंट है यानी पांच ग्राम है तो सॉल्वेंट यानी आपका जो वॉटर है वो ऑटोमेटिकली एक्स हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी नाइनटी फाइव यानी नाइनटी फाइव ग्राम आपके पास में सॉल्वेंट है ठीक है कोई परेशानी नो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फाइव परसेंट मास सोलूशन ऑफ ग्लूकोज इन वॉटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वॉटर इज इतना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इतना क्या चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों अब आप जरा इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो अपना खुद का जरा दिमाग लगाओ इसके अंदर क्या कर सकते हैं फॉर्मूला क्या लगेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी प्योर वॉटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है टू सेवेंटी लेकिन जब आपने केन शुगर को पानी में मिलाया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया टू सेवन कैलविन तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे डेल्टा की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे वैल्यू मिलेगी यहां पर 2.15 दैट विल बी द वैल्यू टू पॉइंटा टी एफ की वैल्यू आप सभी लोगों को मिल गई कोई परेशानी अब यहां पर आप जरा फॉर्मूला लगा दीजिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप यहां पर लगाएंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी

जब आप इस चीज को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 0.154। तो यहां पर मोरलिटी आ गई डेल्टा टीएफ आ गया तो जब आप यहां पे के एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो क्वेश्चन में नहीं दी हुई है सो तो इट विल बिकम डेल्टा टी एफ अपॉन एम डेल्टा टी एफ इज टू पॉइंट वन फाइव कैलविन और यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट वन फाइव फोर मोल्स पर के जी तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहां पर आपको इसकी वैल्यू जो भी होगी वो आप अभी ऐसे लिख लीजिए 2.15 पॉइंट वन फाइव और नीचे का मोल ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम पर मोल डिवाइडेड बाय 0.154 क्या चीज क्लियर हो गई अब हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों पहले तो हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं इसको हम पहले उठा के यहां पर शिफ्ट कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं ये बात अब मजा आएगा ना बेडू और इसको कर देते अपन यहां से डिलीट हाँ अब हम लोगों को क्या करना है अब आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है पांच परसेंट का अब यहां पर क्या निकालना फ्रीजिंग पॉइंट तो फॉर्मूला में वापस से वो लगा देता हूं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ अब यहां पर आपको के एफ की वैल्यू मिल गई टू पॉइंट वन फाइव डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट वन फाइव फोर मल्टीप्लाई बाय आपके पास में ग्लूकोज का सोल्यूशन कितना है फाइव परसेंट तो गिवन मास हो गया फॉर्मूले के हिसाब से क्योंकि यहां पर हमें मोलालिटी निकालनी है तो चलो एक काम करो इसकी मोलालिटी आप यहां निकाल लो ग्लूकोजी का ये भी पांच परसेंट ही सोल्यूशन है तो जब आप इसकी मोलालिटी निकालोगे तो इसकी मोलालिटी कितनी निकलकर आ जाएगी जहां तक मुझे पता है इसकी मोडालिटी जीरो पॉइंट के आसपास आएगी 0.292 के आसपास आएगी जीरो पॉइंट टू नाइन टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर आपके डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो एट कैलविन्स ये आपका डेल्टा टी एफ निकल गया अब आप इस वैल्यू को वापस से यहां रख लीजिए ये वाले फॉर्मूला में सो so, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टू सेवेंटी थ्री माइनस एक्स और यहां पर आपका डिप्रेशन कितना हो गया फोर पॉइंट जीरो माइनस फोर पॉइंट लगभग टू चाहिए? टू लगभग पॉइंट जीरो एट मान लो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सल्यूशन का सोलूशन फाइव परसेंट ग्लूकोज का इतना कैल्व्यू ठीक है क्वेश्चन समझ में आया मतलब हम लोगों को केन शुगर की मदद से यहां से क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहां रखी मोलैरिटी निकाली ग्लूकोज सोल्यूशन की जो पांच परसेंट वाला था इससे मोलैरिटी मिल गई मोलैरिटी की वैल्यू यहां रख दी चाहो तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी यहां रख सकते हो यहां से डेल्टा टीएफ की वैल्यू मिली और हमने इसको सॉल्व कर दिया अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन

एसओ फोर डॉट टेन एच टू जब ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा तो यहां पर आपको टू पॉजिटिव मिलेंगे आपको यहां पर मोल ऑफ डाई नेगेटिव मिलेगा और आपके मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे तो यहां पर आपका क्योंकि हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है यहां पर आपके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी थ्री क्योंकि यहां पर दो आयन इसके और एक आयन इसका निकल रहा है तो यहां पर टोटल आयन निकल रहे हैं थ्री अब यहां पर आपको क्या निकालना है आपको के भी दे रखा है आपको क्या निकालना है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 1.86 पॉइंट एट सिक्स कैलविन के जी पर मोल डब्ल्यू टू यानी गिवन मास कितना दे रखा है गिवन मास ग्राम्स ऑफ गॉबलर सॉल्ट

यह हो जाएगा टू नाइन्टी प्लस थर्टी टू टू नौ दस ग्यारह बारह थ्री ट्वेंटी टू तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें थ्री ट्वेंटी टू से मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो, जीरो के जी मतलब क्या सौ ग्राम मतलब क्या सौ ग्राम है ना ये हो गया तुम्हारा ग्राम्स पर मोल ग्राम ग्राम कट गया मोल मोल कट गया के जी के जी कट गया ये और ये कट गया अब आपके पास में जो फाइनल डेल्टा टीएफ की वैल्यू है वो कैसे निकल कर आएगी जरा देखो 18.6 ये 10 उधर हो जाएगा 18.6 हो जाएगा ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 322 अब आपका फाइनल डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या निकल कर आना चाहिए मेरे हिसाब से दैट विल बी अराउंड ओ इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल ही गए भाई साहब इस क्वेश्चन में आपको इस पूरे फॉर्मूले को i से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा तो यहां पर आपका ये 10 इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 18.6 18.6 सिक्स मल्टीप्लाई बाई सीप्लाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री अब आपका फाइनल जो डेल्टा टी एफ का वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना आना चाहिए जरा देखिए सिक्सटीन थ्री इंटू एटीन और इसको डिवाइड करेंगे थ्री ट्वेंटी टू से तो कुछ वन पॉइंट जीरो थ्री नाइन के आसपास आपका आंसर आना चाहिए लेकिन अब बात यह है कि यह पूछ रहा है वॉट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है ये तो डिप्रेशन आया सो डेल्टा टी ए विल बी आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी सोलवेंट के मुकाबले सोल्यूशन का कम हो गया सोलवेंट क्या है हंड्रेड परसेंट पानी ही होगा तो पानी का होता है क्योंकि आपको वाटर का दे रखा है ये देखो वाटर की वैल्यू दे रखी है ना तो वाटर ही होगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट टू सेवन होता है सॉल्वेंट का हमें पता नहीं है और डिप्रेशन की वैल्यू कितनी आई वन पॉइंट टू माइनस वन तो आपका आंसर हो जाएगा टू सेवन विल बी जीरो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है नहीं 271.96 होना चाहिए क्या हम्म <tip> <tip> hmm, तो ये जीरो जीरो तो करना पड़ेगा जाएगा वन सिक्स नाइन टू सेवेंटी वन पॉइंट नाइन सिक्स वन होगा इट विल बी 271.961 केल्विनस होगा इसका आंसर ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ओके okay, क्वेश्चन भी थोड़ा सा मेरे को ऐसा दिख रहा है अजीबोगरीब बट ठीक है हो जाएगा सॉल्व कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है 1 मोलल 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 मतलब मोलालिटी दे रखी है तो मोलालिटी डायरेक्टली हो गई आपकी 1 एक्वा सोल्यूशन ऑफ ये अच्छा द हैज हैज टू टू बॉइल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना मतलब एक्वा है देखो एक्वास मतलब वॉटर तो आप लोग सब जानते हैं कि वॉटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और सॉल्यूशन का ये बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है 100.8 डिग्री सेल्सियस तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया सोल्यूशन का माइनस सॉल्वेंट का याने degree Celsius और से Kelvin, Kelvin, delta TB, elevation in boiling point इतना हो गया डिटरमाइन वेंट हॉफ फैक्टर आपको इसका वेंट हॉफ फैक्टर निकालना है तो यहां पर आप देखिए फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी टू आई मल्टीप्लाई बाई केबी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज जीरो आई की वैल्यू पता नहीं के बी की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव वन टू के जी पर मोल और मोलालिटी की वैल्यू आपको दे रखी है वन मोल पर के जी तो के जी के जी मार दो कैलविन कैलविन सॉरी ये मार दो और कैलविन से इस कैलविन को मार दो तो यहां पर आपकी जो आई की वैल्यू बच्चे की हो जाएगी जीरो पॉइंट वन एट डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फाइव वन टू जरा इसको देखना कितनी वैल्यू आ रही है आहा, कितनी वैल्यू आएगी इसकी कुछ 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 कुछ, कुछ के आसपास आनी चाहिए तो जीरो पॉइंट थ्री फाइव आपकी वैल्यू हो गई हो गया क्वेश्चन इल्ले इले पो कुछ भी नहीं था इसके अंदर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है कोई परेशानी कोई दिक्कत मेरे गुलजारी लालो, मेरे बच्चों मेरे बकुड़ो चलिए आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोलता है, है? ये बोल रहा है ना, अच्छा भैया कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ बेरियम यानी आपको W2 की वैल्यू दे दी 12.48 ग्राम इन वन के जी ऑफ वॉटर ओके 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 ठीक है तो एक काम करो बेरियम क्लोराइड का बेरियम क्लोराइड का मोलर मास ले लो यानी एम टू की वैल्यू कितनी दे रखिए टू जीरो एट पॉइंट थ्री फोर तो आप जल्दी से इनके मोल्स निकाल लो आप जल्दी से इनके मोल्स निकाल लो तो गिवन मास मोल्स क्या हो जाएंगे इसके गिवन मास यानी ट्वेल्व पॉइंट फोर एट ग्राम्स अपॉन टू जीरो एट पॉइंट थ्री फोर ग्राम्स पर मोल तो ये नीचे का पर मोल क्योंकि दे पर देखो पर मोल दे रखा ना तो ये पर मोल ऊपर जाकर मोल हो जाएगा ग्राम ग्राम कट जाएगा तो आपके इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी लेट मी कैलकुलेट हम देख लेते हैं ट्वेल्व टॉइंट फोर एट को जब आप लोग डिवाइड करेंगे टू जीरो थ्री फोर से तो मेरे ख्याल से आंसर जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स के आसपास ले लेते हैं हम लोग जीरो पॉइंट जीरो

मोल्स पर के जी इज योर मोलालिटी ठीक है अब कह रहे हैं कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेरियम ठीक है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेरियम तो यहां पर आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इन टू के एफ इंटू एम डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है अच्छा डेल्टा टी एफ नहीं डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है

है ना कोई परेशानी इसके अंदर अब यहां पर एक बात ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप कभी किसी क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट 373.15 लेते हो यहां पर आपने 373 क्यों लिया क्योंकि बेटा देखो यहां पर ये यह बोल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद यह बोल रहा है कि आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 373.0832 है अब यह वैल्यू 373.15 से कम है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपके वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए नहीं तो यहां पर ये यह एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि ये वैल्यू एलिवेटेड वैल्यू बोल रहा है मतलब ये वैल्यू की वैल्यू ये वैल्यू बड़ी है किसके मुकाबले बॉइलिंग पॉइंट के इसलिए मैंने यहां पर 373 लिया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर ये वैल्यू और ज्यादा बड़ी होती तो मैं 373.15 ले लेता बट इन जनरल केस आप 373.15 लेके चलोगे लेकिन कुछ कुछ केसेस में आपको 373 लेना पड़ेगा जैसा मैंने यहां पर लिया ताकि हमारा आंसर प्रॉपरली पाए तो अब यहां पर आपके डेल्टा टीबी होगी जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री टू अब यह केबी को डिविजन में ले जाऊंगा के बी की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट फाइव टू अच्छा ये कैलविन ये केल्विनस केजी पर मोल है और मोलैलिटी uh, की वैल्यू भी हमारी आ गई है 0.06 मोल्स पर केजी तो केजी से केजी मर गया केल्विन केल्विन मर गया मोल मोल मर गया अब आपके यहां पर वैल्यू एक्चुअली किसकी निकल के आ रही है आई की तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी देखो दो डेसिमल हट गए तो ये हो गया 6 होरी हो गया 8.32 फिर 6 को अगर मैं 8 से तो 6 वन 62 कैरी और फिर जीरो पॉइंट फाइव से दूं अगर मैं तो नियर अराउंड वैल्यू जो मिल जाएगी वो टू पॉइंट फैक्टर है अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे देखो एक्चुअली तुम्हारे पास में सॉल्ट क्या है बेरियम अब आप लोग सब जानते अगर आपके बेरियम क्लोराइड का मेरे पास में एक मोल होगा तो शुरुआत में मेरे पास में बेरियम डाय पॉजिटिव और टू सी तो शुरुआत में जीरो जीरो होंगे बाद में क्योंकि आप देखो क्या यहां पर हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन दिख रहा है क्या अगर I की वैल्यू एग्जैक्टली थ्री होती तो मैं समझ जाता कि एक बेरियम के टूटने पर एक बेरियम क्लोराइड के टूटने पर एक बेरियम और दो मोल सीएल नेगेटिव निकल रहे तो टोटल तीन आय निकल रहे तो I की वैल्यू भी थ्री लेकिन I की वैल्यू थ्री से छोटी है मतलब यहां पर हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो क्या मैं ये बोल दूं कि बेरियम के वन में से अल्फा पार्टिकल टूट गए इसलिए यहां पर बेरियम क्लोराइड के वन में से अल्फा पार्टिकल टूट गए इसलिए इसके अल्फा पार्टिकल बन गए और क्योंकि ये एक बेरियम क्लोराइड के मुकाबले दुगना है इसलिए इसके दो अल्फा पार्टिकल यहां पर निकल आए अब यहां पर जब हम लोग बात करेंगे तो आई विल बिकम इक्वल टू आई यानी आपका वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू

इक्वल टू टू अल्फा में अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स सेवन डिवाइडेड बाई टू यानी जीरो पॉइंट एट थ्री फाइव इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ और वीकेंड से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा एसेंट डिसोसिएशन हुआ है ना कि 100 परसेंट ठीक है एंड गाइस विद दिस हमारे कितने क्वेश्चन हो गए जरा देख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं वाव हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस करे हैं सोल्यूशन के पीवाई क्यूज जो 2011 तक के थे मतलब मान के जो लगभग हम लोगों ने 10 से 11 साल के पीवाई क्यूज कर लिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना देखना आप लोगों का लेवल क्या है आप लोग कहां तक टच कर पा रहे हैं कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एनसीईआरटी क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चंस आए हैं और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आए हैं जो अब आप लोग कर सकते हो अगर आपको टेक्निक पता हो तो, तो अब आपसे मिलता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ग्रेविटी सर्कल गाइस